क्या मूवी ने की केरला की इमेज खराब? क्या गवर्नमेंट ने दिया मूवी देखने के लिए बढ़ावा? दी केरला स्टोरी मूवी कंट्रोवर्सी में तो फंस चुकी है, लेकिन 5 मई यानी फ्राइडे को रिलीज हुई इस मूवी ने 6.75 करोड़ की कमाई, तो शनिवार को 10 करोड़ की कमाई, मतलब टोटल 17 करोड़ के आसपास मूवी ने कमाई कर डाली है। कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट ने यूथ को मूवी देखने के लिए इनकरेज किया है ताकि वो उसके बलबूते पर अपना ओपिनियन बनाए, पर चेन्नई एक केरला यानी कि साउथ एरियाज में थोड़ा सा इशू है, पर बाकी जगहों पर मूवी देखी जा रही है। 5 मई 2023 को मूवी दी केरला स्टोरी रिलीज हुई, जिसमें हमें एक्ट्रेस अदा शर्मा मेन लीड के तौर पर नजर आती है। ये मूवी रिलीज तो हुई, पर रिलीज से पहले और रिलीज के बाद बड़े बवाल में फंस चुकी है। इसकी बड़ी वजह ये है कि ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है, जो कि केरला की 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों की है, जिनका धर्म बदलकर उन्हें मुस्लिम बना दिया जाता है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए उन्हें देश के बाहर भेजा जाता है, और ऐसी ही एक लड़की का किरदार निभा रही है अदा शर्मा। अभी मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का कहना है कि उनके पास इस मूवी से जुड़े काफी अनसुने और पक्के सबूत हैं, पर केरला के मुस्लिम यूथ इस मूवी के विरोध में हैं, क्योंकि उनके नजरिए में ये झूठी कहानी। इस मूवी की वजह से केरला गवर्नमेंट भी काफी नाराज हो चुकी थी, जिन्होंने कुछ कट्स लगाकर इस मूवी को रिलीज करने की परमिशन दी। मैंने आप बताया कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चिलचिलाती गर्मी में रिलीज हुई विपुल शाह की प्रोडक्शन द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस को और भी गर्म कर दिया है। ए ग्रेड लिस्ट की कोई स्टारकास्ट ना होने के बावजूद फिल्म चारों ओर अपनी बात करवाने में कामयाब रही है। कमांडो फिल्म से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस अदा शर्मा अभिनीत फिल्म शुक्रवार यानी कि 5 मई को बड़े विवादों और कई याचिकाओं के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दोस्तों, केरल की कहानी केरल की हिंदू महिलाओं की कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया गया था और उनकी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि ISIS में तस्करी की गई थी। याचिकाओं में दावा किया गया है कि केरल में महिलाओं की ISIS में शामिल होने के बारे में फिल्म तथ्यों पर आधारित नहीं है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाती है। इंटरनेट के एक वर्ग ने वास्तव में विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स के साथ सुदीप्तो सेन निर्देशित सुदीप्तो सेन की तुलना की, जिसे कश्मीरी मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए रिलीज के समय बैकलैश और बहिष्कार कॉल का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और सिनेमाघरों में 2 महीने से अधिक समय तक चली थी। ये 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित थी, लेकिन क्या द केरला स्टोरी में बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स के रास्ते जाने की क्षमता है? तो बता दें, इस फिल्म ने पहले ही शाम और रात के शो को मिलाकर कुल 8 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, और अब वो दिन चले गए जब कोई फिल्म केवल अपने स्टार पावर के दम पर ही चलती थी। अब कंटेंट राजा है, बेशक अपवाद हमेशा होते हैं, लेकिन आजकल लोग अच्छी कहानियों को तरजीह देते हैं। इस फिल्म का जबरदस्त बज है, सप्ताहांत में इसे निश्चित रूप से गति पकड़नी चाहिए। फिलहाल दिलचस्प बात तो ये है कि अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी अभिनीत द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, क्योंकि पहले दिन ये केवल 3.5 करोड़ रुपए ही बटोर पाई थी, जहां दूसरे दिन फिल्म ने 8.50 करोड़ का बिजनेस किया और तीसरे दिन 15 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपीज का कलेक्शन कर लिया और फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श काफी आश्वस्त है कि द केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स की तरह एक बड़ा आश्चर्य हो सकती है। आदर्श ने कहा, केरला स्टोरी की प्रतिक्रिया उत्कृष्ट रही है, फिल्म निश्चित रूप से सप्ताहांत में गति पकड़ लेगी। ये कहना जल्दबाजी होगी कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स घटना को फिर से बनाएगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये ऐसा कर सकती है। द केरला स्टोरी के लिए द कश्मीर फाइल्स के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पार करना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि इसे बहुत अच्छी समीक्षा नहीं मिल रही है। यदि आप द कश्मीर फाइल्स को देखें तो फिल्म को काफी अच्छी समीक्षा मिली थी, खासकर फिल्म देखने वाले दर्शकों से। द केरला स्टोरी के लिए अभी तक मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसके अलावा द केरला स्टोरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा समर्थन मिला है, जिन्होंने पहले द कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वालों को ये कहते हुए बाहर कर दिया था कि इसे बदनाम करने की साजिश है। शुक्रवार को कर्नाटक के बेलारी में
भाजपा के लिए एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि केरल स्टोरी ने उजागर किया कि कैसे आतंकवाद केरल को दूषित कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करके आतंकवाद का बचाव कर रही है। आतंकवाद ने अब एक नया रूप ले लिया है। वे हथियारों और बमों का इस्तेमाल करने के अलावा समाज को अंदर से खोखला करने की दिशा में काम कर रहे हैं। द केरला स्टोरी फिल्म ने आतंकवाद के इस नए चेहरे का पर्दाफाश किया है। फिल्म इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस तरह आतंकवाद केरल के समाज को कमजोर कर रहा है और अब कांग्रेस उन तत्वों का समर्थन कर रही है जो इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाकर आतंकवाद का बचाव कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बेहद खचाखच भरे थिएटर और पीएम मोदी की लिलाहट केरल स्टोरी को बॉक्स ऑफिस पर भारतीय सिनेमा की अगली कश्मीर फाइल्स बनने में मदद करेगी। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि मई के महीने में आईपीएल के चलते ठंडे पड़े बॉक्स ऑफिस को इस फिल्म ने गर्म कर दिया है। अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो कमाई के जून के महीने में रिलीज हो रही बड़ी फिल्मों का इंतजार कर रहे सिनेमा मालिकों और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा संकेत होगा। आप द केरला स्टोरी से कितना इत्तेफाक करते हैं ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा जारी रखा है। फिल्म ने रिलीज के 8 दिनों के अंदर 118 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। 9वें दिन यानी कि शनिवार को तो अपनी ही कमाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म ने 23 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। फिल्म रविवार को 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, इसमें कोई शक नहीं था। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे भी इसी की राह का रोड़ा बन रही है। शनिवार को अपने दूसरे वीकेंड में द कश्मीर फाइल्स ने जबरदस्त उछाल दिखाई। फिल्म ने एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन करते हुए 23 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में बिजनेस किया और इस तरह फिल्म की कुल कमाई 143 करोड़ के पास पहुंची। किसी ने नहीं सोचा था कि 15 करोड़ के बजट में बनी फिल्म जिसमें कोई सुपरस्टार नहीं इतना बड़ा बिजनेस करेगी। द कश्मीर फाइल्स आधुनिक युग की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक बनने की तरफ अग्रसर है, यानी कि चल रही है। फिल्म को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि शनिवार से भी ज्यादा रविवार को इसे देखने लोग हॉल पहुंचे थे। फिल्म के टोटल 250 करोड़ के आसपास का बिजनेस करने की उम्मीद जताई जा रही है। ये आंकड़ा 300 करोड़ के पास भी हो सकता है। कश्मीर फाइल्स ने ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल और बाहुबली जैसी फिल्मों को भी बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया। हालांकि द कश्मीर फाइल्स को टक्कर देने पहले तो प्रभास की राधे श्याम रिलीज हुई, पर इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के सामने टिक नहीं पाई। इसे शुक्रवार को अक्षय कुमार की बच्चन पांडे रिलीज हुई, जिसने पहले दिन 13 करोड़ 50 लाख की कमाई की, जो कि द कश्मीर फाइल्स के 18 करोड़ से काफी कम थी। देखना होगा कि फिल्म का फाइनल कलेक्शन क्या होता है। सभी लोग उम्मीद करें कि फिल्म 300 करोड़ के आसपास की कमाई रखती है। आपको क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर अकल्पनीय प्रदर्शन किया है, मतलब कि ताबड़तोड़ कमाई की है। फिल्म ने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रभास की राधे श्याम और आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी बड़ी रिलीज ने इसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। लोगों की भारी भीड़ सिनेमाघरों में द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए उमड़ पड़ी है। छठवें दिन फिल्म ने अब तक मार्च की सबसे ज्यादा कमाई की है। बता दें कि 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स 1990 में कश्मीर विद्रोह के दौरान हुए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित है। फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, नथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी नजर आएंगे। द कश्मीर फाइल्स ने पांचवें दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं छठे दिन इसने जबरदस्त ग्रोथ किया। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार फिल्म ने छठे दिन 19 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की, यानी कि अब तक फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 79.50। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म का दूसरा हफ्ते कलेक्शन इस हफ्ते फिल्म की कमाई से ज्यादा रहने की उम्मीद है। हमें यकीन है कि ये फिल्म जल्दी 100 करोड़ के क्लब में प्रवेश करेगी। सभी की निगाहें अब होली की छुट्टी और रिलीज के बाद से दूसरे वीकेंड पर टिकी है। वेल, स्टार्टिंग से आपको कलेक्शन बता दूं तो फिल्म का पहला डे का कलेक्शन था 3.55, सेकंड डे 8.5, थर्ड डे 15.1, फोर्थ डे 15.05, फिफ्थ डे
17.80, sixth day 19.30 and total is 79.50. Well, दोस्तों ये पहली ऐसी फिल्म है जो ऐसे टाइम पे भी मतलब कि ऑफिस डेज में भी कलेक्शन कर रही है, नहीं तो बाकी जो भी फिल्में रिलीज होती हैं बॉलीवुड की सैटरडे संडे फ्राइडे ये तीन दिन बहुत अच्छा कलेक्शन करती हैं, बट मंडे ओवरऑल 30-50% गिरती है। जिस तरह से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है ओवरऑल, चाहे वो मंडे हो ट्यूसडे हो या जो भी हो, ऐसी एक फिल्म आई थी 1975 में जय मां संतोषी, जिसने लगातार कमाई किया था। मतलब कि कोई ऐसा नहीं फिल्म के लिए फ्राइडे सैटरडे क्या संडे क्या मंडे, सब एक बराबर और फिल्म की लगातार ग्रोथ हुई थी। तो ये दूसरी ऐसी बॉलीवुड फिल्म बन गई है जो लगातार ग्रोथ कर रही है और आने वाले टाइम में भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी। आपको क्या लगता है, फिल्म क्या आपने देखी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में तैयार की गई दी कश्मीर फाइल्स की हर तरफ तारीफ हो रही है। तेजी से इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के बाद गुजरात और मध्य प्रदेश में भी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। साथ ही दी कश्मीर फाइल्स की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी खास मुलाकात की है। फिल्म की चर्चा इस कदर हो रही है कि अक्षय कुमार ने भी बच्चन पांडे की रिलीज से पहले इस फिल्म को देखने की इच्छा जताते हुए सोशल मीडिया पर दी कश्मीर फाइल की तारीफ भी की है। दी कश्मीर फाइल्स का प्रभाव दर्शकों पर इस कदर है कि सिनेमाघरों में कई जगहों पर ये फिल्म हाउसफुल जा रही है। ऐसे में फिल्म को मिल रही प्रतिक्रिया को लेकर एक्टर अनुपम खेर ने लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा था, लोगों का प्यार, कश्मीरी हिंदुओं के आंसू, विवेक अग्निहोत्री का साहस, दी कश्मीर फाइल्स की टीम की मेहनत और सबसे ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद। अनुपम खेर के इस पोस्ट को अक्षय कुमार ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि दी कश्मीर फाइल्स में आपकी परफॉर्मेंस के संबंध में अद्भुत चीजें सुन रहा हूं। भारी संख्या में दर्शकों को फिर से सिनेमाघर में जाते हुए देख हैरान हूं। उम्मीद है कि जल्द फिल्म देख पाऊंगा। जय अंबे। वेल दोस्तों, दी कश्मीर फाइल्स को लेकर दर्शकों के बीच क्रेज बढ़ रहा है। ऐसे में हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ कर्नाटक सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने ट्वीट किया है कि विवेक अग्निहोत्री ने बहुत भयावह और मार्मिक सीन को दिखाया है जो काबिले तारीफ है, हम इस फिल्म को पूरा सपोर्ट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म को पसंद किया है। दी कश्मीर फाइल्स की टीम ने पीएम से हाल ही में मुलाकात की। प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर शेयर की, जिस पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा कि मैं बहुत खुश हूं कि अभिषेक ने भारत के इस चुनौती भरे सच को दिखाने की हिम्मत दिखाई है। यूएस में द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति दुनिया के बदलते नजरिया में फायदेमंद साबित हुआ है। द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलना सुखद अनुभव रहा। द कश्मीर फाइल्स को लेकर उनकी तारीफ और अच्छे शब्दों ने इसे और भी खास बना दिया। इससे पहले किसी और फिल्म का निर्माण करते हुए इतना गर्व फील नहीं हुआ है। वेल सच में ये फिल्म बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग है। फिल्म को देखने के लिए जितनी भीड़ उमड़ रही है ना, एडवांस बुकिंग हो रही है फिल्म के लिए। नहीं सकता कि ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर कितनी तबाही मचाने वाली है। सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि एक अलग बदलाव हमें देखने को मिलेगा इंडियन सोसाइटी में। आपको क्या कहना है इसके बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। कैसे बनके तैयार हुई थी द कश्मीर फाइल्स? क्या अब वेब सीरीज की तैयारी में है डायरेक्टर? डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स को दर्शकों का प्यार लगातार और जोरदार तरीके से मिल रहा है। फिल्म के रिलीज हुए महज 3 दिन हुए हैं, लेकिन फिल्म ने अपना पूरा बजट वसूल कर लिया है। फिल्म अब प्रॉफिट के हाईवे पर दौड़ लगा रही है। जल्द ही मूवी 50 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी। विवेक अग्निहोत्री के द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार को दिखाया गया है। इस फिल्म ने फिलहाल एक ऐसे कई सेट स्टैंडर्ड्स को तोड़ रखा है जो किसी फिल्म को लेकर माने जाते हैं। जैसे अनुपम किसी फिल्म की चर्चा उसके काम और करने वाले बड़े बड़े सितारों के नाम पर होती है, और या
फिर फिल्म रिलीज के पहले फिल्म का कोई गाना हिट हो जाता है तो वो होती है। लेकिन द कश्मीर फाइल्स के साथ सबसे खास बात ये है कि इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा किसी बड़े सितारे की नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की हो रही है। हालांकि इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार जैसे बड़े अभिनेताओं ने काम किया है। इसकी एक वजह ये भी है कि इस फिल्म के प्रमोशन की पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने कंधों पर ले रखी है। आज दिल्ली में फिल्म को लेकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अमूमन ऐसी फिल्म को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में होती और फिल्म के रिलीज से पहले होती, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस फिल्म रिलीज होने के 3 दिन बाद दिल्ली में की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का मुख्य मकसद था कि विवेक अग्निहोत्री ये बताना चाहते थे कि फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत की गई, किन किन बारीकियों का ख्याल रखा गया था, कि साथ ही फैक्ट और रियलिटीज के लिहाज से लिहाजा पर ये फिल्म कितनी सटीक है। विवेक बताते हैं कि इस फिल्म को बनाने में 5000 घंटे की रिसर्च की गई, 15000 पेज के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए गए। लगभग 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक अग्निहोत्री ने 20 मिनट का एक वीडियो भी दिखाया। इस वीडियो में उन कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू था जो असल में उन दिनों कश्मीर में मौजूद थे। विवेक बताते हैं कि वो और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी ने असली पीड़ित कश्मीरी पंडितों से मिलने के लिए दुनिया भर के कई देशों और भारत के कई शहरों के चक्कर लगाए। लगभग 700 से ज्यादा पीड़ित कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। इस फिल्म को बनाने में 4 साल का लंबा वक्त लगा। 20 मिनट के इस वीडियो में कई जगह पीड़ितों से बात करते करते विवेक और पल्लवी जोशी अपने आंसू पोंछते हुए दिखाई पड़े। विवेक बताते हैं कि पीड़ित कश्मीरी पंडितों ने कई बार बॉलीवुड के कई बड़े बड़े लोगों से रिक्वेस्ट की कि इस मुद्दे पर फिल्म बनाई जाए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लगी। 2018 में जब उनके पास फिल्म को लेकर आइडिया आया तो उन्होंने भी इसके लिए हामी भरने में 1 से 1.5 महीने लिए। विवेक कहते हैं, डिसीजन लेना आसान नहीं था, आपको कई तरह के खतरे होते हैं, आतंकवादियों से भी आपको खतरा हो सकता है, और जब आतंकवादी हमला करते हैं तो कोई भी पुलिस या आर्मी आपको बचाने नहीं आती। हालांकि मेरी पत्नी पल्लवी जोशी ने मुझे हिम्मत दी और हमने तय किया कि हम एक क्रिएटिव सोल्जर की तरह इस इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी, अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते? पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। क्यों बड़े पर्दे पर दर्द का एहसास नहीं करा पाई कश्मीर फाइल्स? क्या स्वर्ग को नरक बना दिया है हम इंसानों ने? क्यों हो रहा है कश्मीर पंडितों पर आज भी अत्याचार? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। कहा जाता है कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो यही है और यही है। लेकिन कहा जाता है ना, खूबसूरत चीजों के अक्सर काले सच हुआ करते हैं। वहीं से शुरू होता है कश्मीर का सिलसिला। बेशक आपका दिल करता हो कि आप एक दिन कश्मीर जाएं और वहां कुछ दिन बताएं, लेकिन आप वहां 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं बिता पाओगे। ये है कश्मीर का काला सच। कहने और देखने में बर्फ की चादर से ढका है, लेकिन कहते हैं इस बर्फ में कई मासूमों के खून भी जम गए हैं। इसी कहानी को बयान करने आई है कश्मीर फाइल्स। क्या विडंबना है ना, लोग कश्मीर को जन्नत मानते हैं और जो कश्मीर को जहन्नुम बना रहे हैं वो भी जन्नत जाना चाहते हैं। आंखों में दर्द लिए फिल्म का एक किरदार कहता है, एक सच्ची घटना पर आधारित इमोशनल रूप से आपको हिला देने वाली ये फिल्म 1990 में कश्मीर घाटी में कश्मीर पंडितों की दुर्दशा को दिखाती है, जिन्हें इस्लामिक आतंकियों द्वारा अपने घरों से भगाने के लिए मजबूर किया गया था। फिल्म बताती है कि वो सिर्फ एक पलायन नहीं था बल्कि नरसंहार था। कश्मीर फाइल्स पर जाने से पहले ये जान लेते हैं आखिर कौन है ये कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित, जिन्हें कश्मीरी ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो कश्मीरी हिंदुओं का एक समूह है और भारत के बड़े ब्राह्मण समुदाय का हिस्सा है। वो कश्मीर घाटी से पंचगौड़ा ब्राह्मण समूह से संबंधित है, जो जम्मू और कश्मीर के भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश के भीतर स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। कश्मीरी पंडित मूल रूप से कश्मीरी घाटी में मुस्लिम के प्रवेश करने से पहले रहते थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में इस्लाम में परिवर्तित हो गए। घाटी में इस्लाम उग्रवाद के विकास से प्रेरित होकर 1990 के दशक में बड़ी संख्या में पलायन हुआ।
बता दें कश्मीरी पंडित कट्टरपंथी इस्लामवादियों और आतंकवादियों द्वारा उत्पीड़न और धमाकियों के बाद उग्रवाद के विस्फोट के दौरान 1990 के दशक में उन्होंने बहुत अधिक संख्या में कश्मीर छोड़ना शुरू कर दिया था। 19 जनवरी 1990 की घटनाएं विशेष रूप से दिल दहला देने वाली थी। उस दिन मस्जिदों ने घोषणा की कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं और पुरुषों को या तो कश्मीर छोड़ना था या इस्लाम में प्रवर्तित होना था या उन्हें मारना था। जिन लोगों ने इनमें से पहले को चुना उन्हें कहा गया कि वो अपनी महिलाओं को कश्मीर में यहीं छोड़ दें। कश्मीरी मुसलमानों को पंडितों के घरों की पहचान करने का निर्देश दिया गया था ताकि उन्हें धर्मांतरण या हत्या के लिए व्यवस्थित रूप में निशाना बनाया जा सके। इस घटना को ही कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। लगभग 2 घंटे 40 मिनट लंबी इस फिल्म में निर्देशक विवेक अग्निहोत्री भारत के एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और मीडिया पर निशाना साधते हैं। वो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से लेकर कश्मीर के प्राचीन इतिहास और पौराणिक कथाओं पर भी फिल्म के जरिए बात करते हैं। लगभग 30 सालों के बाद कश्मीरी पंडित आज भी न्याय की उम्मीद करते हैं। ये फिल्म उनकी पीड़ा, उनकी आवाज को सामने रखती है। ये दिखाती है कि किस तरह राजनीतिक कारणों से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सालों साल दबा दिया गया। फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक पहुंचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्ण दर्शन कुमार अपने दादाजी पुष्कर नाथ पंडित यानी अनुपम खेर की आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए श्रीनगर आया है। कश्मीर के अतीत से बेखबर वो अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है। श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के 4 दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुंचती है साल 1990 में। साल 1990 की कहानी JKLF द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या के साथ शुरू होती है। दिखाया जाता है कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकें लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। ना महिलाओं को बख्शा जा रहा है ना बच्चों को। गली गली में रालेव चालेव या गालेव के नारे गूंज रहे हैं जिसका अर्थ है या तो धर्म बदलो या भागो या मर जाओ। पहली सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देते हैं कि ये फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा को दर्शाती है। बीके गंजू की चावल की बैरल में हत्या हो या नदी मर्ग नरसंहार हो, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को भारतीय सेना की वेश में आए आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं हम पुष्कर नाथ पंडित अनुपम खेर और उनके परिवार की नजरों से देखते हैं। वो अपने बेटे बहू और 2 पोतों के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके परिवार पर खतरा मंडराता है तो वो अपने 4 दोस्तों ब्रह्मदत्त, मिथुन चक्रवर्ती जो कि IAS हैं, DGP हरि नारायण, पुनीत सर, विष्णुराम अतुल श्रीवास्तव जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं और डॉक्टर महेश कुमार प्रकाश बोलावाड़ी से मदद मांगते हैं, लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग प्रशासन के सामने सभी असहाय दिखाई देते हैं। ये सभी किरदार प्रतीकात्मक हैं जो उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में कृष्णा की दुविधा के द्वारा आज के युवाओं को इंगित किया है। एक तरफ उसकी प्रोफेसर राधिका मेनन यानी पल्लवी जोशी कश्मीर की आजादी के लिए नारे लगवाती है, दूसरी तरफ है उसका परिवार और कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कृष्णा किस पक्ष की ओर से न्याय की मांग करता है, ये ही फिल्म की कहानी है। अगर इतिहास की बात करें तो 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी। कश्मीर के मस्जिदों से उस रोज अजान के साथ साथ कुछ और नारे भी गूंजे। यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, कश्मीर में अगर रहना है अल्लाह अकबर कहना है, और 80 गच्छी पाकिस्तान, बटवरोस न बटनेव सान, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी मगर अपने मर्दों के बिना। ये संदेश था कश्मीर में रहने वाले हिंदू पंडितों के लिए। ऐसी धमकियां उन्हें पिछले कुछ महीनों से मिल रही थी। सैकड़ों हिंदू घरों में उस दिन बेचैन थे। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान की शान में चर्चाएं हो रही थी। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। वो रात सामान बांधते बांधते बड़ी भारी गुजरी। पुश्तैनी घरों को छोड़कर कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन का फैसला किया। जो अपना था, जो मेहनत का था, 2 पल में उनका सब बिखर गया। उस रात घाटी से पंडितों का पहला जत्था निकला। मार्च और अप्रैल के दरमियान हजारों परिवार घाटी से भागकर भारत के अन्य इलाकों में शरण लेने का मजबूर हुए। अगले कुछ महीनों में खाली पड़े घरों को जलाकर खाक कर दिया। जो घर मुस्लिम आबादी के पास थे उन्हें बड़ी सावधानी से बर्बाद कर दिया गया। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार जनवरी 1990 में घाटी के भीतर 75,383 परिवार थे। 1990 और 1992 के बीच
70,000 से ज्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। एक अनुमान है कि आतंकियों ने 1990 से 2011 के बीच 399 कश्मीरों पंडितों की हत्या की। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में बमुश्किल 800 हिंदू परिवार बचे हैं। अगर आंकड़ों से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां हो पाता तो समझिए, 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे, आज की तारीख में 9,000 से ज्यादा नहीं। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था। 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% रह गई थी। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 से भी कम रह जाए तो उसके लिए एक ही शब्द है, नरसंहार। वैसे ये सिर्फ 1990 नहीं बल्कि हिंदुओं की हत्या का सिलसिला 1979 से ही शुरू हो चुका था। सबसे पहले पंडित टीका लाल टपलू की हत्या की गई। श्रीनगर में सरेआम टपलू को गोलियों से भून दिया गया। वो कश्मीरी पंडितों के बड़े नेता थे। आरोप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों पर लगा, मगर कभी किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ। 4 महीने बाद 4 जनवरी 1990 को श्रीनगर से छपने वाले एक उर्दू अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन का एक बयान छपा। हिंदुओं को घाटी छोड़ने के लिए कह दिया गया था। इस वक्त तक घाटी का माहौल बेहद खराब हो चुका था। हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषणों की भरमार थी। उन्हें धमकियां दी जा रही थी जो किसी खौफनाक सपने की तरह सच साबित हुई। पिछले 31 साल में कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कई कोशिशें हुए, मगर नतीजा सिफर रहा। 92 के बाद हालात और खराब होते गए। हिंदुओं को भी इस बात का एहसास है कि घाटी अब पहले जैसी नहीं रही। 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो कश्मीरी पंडित बेहद खुश थे, मगर उनकी वापसी के अरमान अब भी अरमान ही है। कश्मीरी हिंदू ना 1990 में घाटी के भीतर सुरक्षित थे, ना आज है। पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों ने हिंदू और सिखों को निशाना बनाया। अभी हाल ही में श्रीनगर में एक सरकारी स्कूल के 2 टीचर्स की हत्या कर दी गई। वहीं आतंकियों ने एक स्ट्रीट हॉकर को मार डाला था। उसी दिन श्रीनगर में एक कारोबारी माखनलाल बिंद्रू को गोलियों से भून दिया गया। आज भी कश्मीरी पंडित यही सवाल कर रहे हैं, आखिर कब उनको चैन से सांस लेने को मिलेगा। कभी कभी हम वक्त से ज्यादा ही मांग लेते हैं, जैसे कश्मीरी पंडितों ने मांगा। जहां उन्हें चैन से मरने को नहीं मिल रहा, वो सुकून की सांस की बात कर रहे हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर प्रशासन कश्मीर में प्रवासी पंडित कर्मचारियों के लिए 6,000 ट्रांजिट फ्लैट स्थापित कर रहा है, जिसमें दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 208 और मध्य कश्मीर के बडगाम में 96 शामिल हैं। इसके अलावा गांदरबल, शोपियां, बांदीपोरा और उत्तरी कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में 1200 ट्रांजिट आवास तैयार किए जाएंगे। मामले में संबंधित अधिकारी ने बताया कि 7 अलग-अलग स्थानों पर ट्रांजिट फ्लैटों के लिए जमीन की पहचान की जा चुकी है। उपराज्यपाल ने कहा, सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कश्मीरी प्रवासियों की पूरी आबादी जम्मू कश्मीर सरकार के साथ पंजीकृत हो, जिसके चलते कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो सके। पंडितों के दर्द को विवेक अग्निहोत्री ने सालों रिसर्च के बाद कश्मीर फाइल्स की पटकथा पर काम किया है, और वो पर्दे पर भी दिखता है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और नरसिंहार की इस कहानी में निर्देशक ने तमाम बिंदु उठाए, जैसे कि कई लोग हैं जो मानते हैं कि कोई पलायन नहीं हुआ था, कोई नरसिंहार नहीं हुआ था। कुछ मानते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों से बाहर नहीं निकाला गया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से चले गए थे। फिल्म में इसका जवाब दिया गया है। निर्देशक मुख्य तौर पर 3 किरदारों के जरिए हमें कश्मीरी पंडितों की पीड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। पुष्करनाथ पंडित का किरदार एक आम पीड़ित पंडित को दिखाता है, तो शारदा का किरदार महिलाओं पर हुए अत्याचारों को, और कृष्णा का किरदार पंडितों की तीसरी पीढ़ी जो अतीत की वास्तविकताओं से बेखबर है। हालांकि भावनात्मक पक्ष से ऊपर उठी तो फिल्म में थोड़ी कमियां भी दिखती। कहानी कई जगह दोहराती सी लगती है और कल्पना के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। नरसंहार के दृश्य हो या अन्य हिंसात्मक कृत्य, निर्देशक आतंकियों की बर्बरता दिखाने के लिए स्पून फीड करते हैं। फिल्म में इतने सारे मुद्दे एक के बाद एक सामने आते हैं कि आपको इक्के दुक्के किरदारों को छोड़ किसी से जुड़ने का मौका ही नहीं मिलता। फिल्म की स्टारकास्ट बेहद दमदार है। पुष्करनाथ पंडित के किरदार में अनुपम खेर ने बेहतरीन काम किया है। उनका किरदार आपको झंझोड़ता है और जाते जाते आंखें नम कर जाता है। कश्मीरी पंडितों के दर्द, निराशा और उम्मीद को उनके हर भाव में देखा जा सकता है। कृष्णा के किरदार में दर्शन कुमार को कुछ दमदार सीन मिले हैं, जिसके साथ उन्होंने पूरा न्याय किया है। वहीं चिन्मय मांडलेकर अपने किरदार फारूक मलिक बिट्टा में इतने रच बस गए हैं कि आप उनसे बिना नफरत किए थिएटर से बाहर नहीं आ पाएंगे। प्रोफेसर की भूमिका में पल्लवी जोशी में भी उतनी ही प्रभावी है।
फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले मिथुन चक्रवर्ती, अतुल श्रीवास्तव, प्रकाश बेलावड़ी, पुनीत इस्सर, भाषा सुंबली अपने किरदारों में प्रभावशाली लगे। फिल्म तकनीकी स्तर पर काफी प्रभावित करती है। उदय सिंह, मोहिते की सिनेमेटोग्राफी कश्मीर के गलियों से उठ रहे भयावह मंजर्स को बखूबी दिखाती है। डल झील और पर्वतों की खूबसूरती से होते हुए सड़कों, गलियों और घरों में लगे आग को देखकर आपको लगातार बेचैनी होती है, लेकिन कहानी लगातार बांधे रखती है। फिल्म की एडिटिंग कुछ हिस्सों में काफी जबरदस्त है, लेकिन थोड़ी और चुस्त की जा सकती थी। कुछ हिंसात्मक दृश्यों को दर्शकों की कल्पना हेतु भी छोड़ दिया जा सकता था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है रोहित शर्मा ने, जो फिल्म को एक मजबूती देता है। कश्मीर की खूबसूरत घाटियों के इस काले इतिहास को बड़े पर्दे पर देखना बेहद मार्मिक और दर्दनाक है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक झुकाव से अलग होकर देखें तो इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए क्रूर अत्याचार को देखना, मानवता और न्याय व्यवस्था को घुटने टेकते देखना दिल दहला देने वाला है। लेकिन जब कहानी एक युद्ध की सुनानी हो तो उसके लिए काफी हिम्मत से लिखना पड़ता है। इस फिल्म में कहानी युद्ध की तरफ बढ़ती तो है, लेकिन रास्ते में ही आउट ऑफ फोकस हो जाती है। इस फिल्म के बाद विवाद और चर्चा तो निस्संदेह होने ही वाली है। फिल्म लेफ्ट, राइट और सेंटर की विचारधाराओं पर बात करती है और टिप्पणी भी करती है। अब कौन सही है, कौन गलत, ये तो अलग चर्चा का विषय है। आज का हमारा विषय है बतौर एक फिल्म ये कितनी उम्दा है। बता दें कि फिल्म में स्क्रीन प्ले बहुत ही साधारण है, फिल्म स्टोरी और राइटिंग भी साधारण है। जब भी दो पात्र आपस में बात करते हैं तो डायलॉग्स बहुत ही फीके लगते हैं। स्क्रीन प्ले एक बहुत ही कमजोर अंश है। फिल्म का रन टाइम लगभग 3 घंटे का है। इससे अगर आधा भी होता तो भी ये फिल्म अच्छे से पूरी हो सकती थी। फिल्म की अंत भी प्रेडिक्टेबल और अलग बिल्कुल भी नहीं था। साथ ही फिल्म में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही आम है। आपको पहले ही पता लग जाता है कि कहानी किस तरफ बढ़ रही है और क्या हो सकता है। फिल्म में पात्रों के बीच केमिस्ट्री बिल्कुल मिसिंग लगती है। फिल्म कश्मीर के साथ साथ कॉलेज की दुनिया और हमारे नजरिए पर भी सवाल उठाती है, जिसकी वजह से फिल्म अपने फोकस से भटक जाती है। फिल्म आपको दिल दहलाने वाले सीन्स जरूर दिखाती है, लेकिन फिर भी वो दर्द और पीड़ा कहीं गुम है जो असल में कश्मीरी पंडित झेल रहे हैं। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए हमारा चैनल। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, दिस कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद सामने आया है। फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को द कश्मीर फाइल्स के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये फिल्म कश्मीरी पंडित समुदाय के नरसंहार के पहले की पीढ़ी के दस्तावेजों और इंटरव्यू के आधार पर बनाई गई है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार द कश्मीर फाइल्स को भारत में नहीं रिलीज करने की धमकी दी जा रही है। इसके लिए उन्होंने धमकी और डराने वाले फोन कॉल भी आ रहे हैं। 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को यूएस में 30 से अधिक बार दिखाया गया। विवेक अग्निहोत्री के यूएस में फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए बोला जा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले से लेकर 1 या 2 कॉल ही विवेक के पास आ रहे थे। बीते कुछ समय से लगातार विवेक को कई धमकी भरे फोन आ चुके। विवेक को फोन पर बोला जा रहा है कि अगर कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो तुम्हारी खैर। फिलहाल इस फिल्म को लेकर विवेक अग्निहोत्री की तरफ से रिलीज ना करने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। द कश्मीर फाइल का पोस्टर अमेरिका में द बिग एप्पल के टाइम स्क्वायर टावर पर लगाया गया है। एक अंग्रेजी वेबसाइट से बात करते विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि ये फिल्म केवल कश्मीरी पंडित की फिल्म नहीं है, ये हर भारतीय की फिल्म है। आपको बता दें कि कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी अहम किरदार प्ले करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। ये कश्मीरी पंडितों के दर्द, संघर्ष और उनकी कहानी और उनके सफर को बयां करती है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म में 1990s के दशक कश्मीर पंडितों के हालात को दिखाया। अनुपम खेर का किरदार कहानी के मुख्य में है, जिसका नाम पुष्करनाथ पंडित है, जो एक प्रोफेसर है। पुष्करनाथ पंडित अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ श्रीनगर में रहते हैं। अनुपम खेर ने अपने किरदार के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि वो कहानी है जो कि 30 साल से दुनिया से छिपी हुई है। वेल, हम सभी को फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। एक माइंड ब्लोइंग फिल्म होने वाली है ये। अनुपम सर है तो आप समझ ही सकते हैं कि फिल्म का लेवल क्या होने वाला है। वेल, आपको क्या कहना है इसके बारे में, इस थ्रेड कॉल के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज।
दोस्तों इंडिया में बहुत सी फिल्में बनती हैं, उसमें सबसे ज्यादा काउंटिंग होती है रोमांटिक फिल्म्स की और एक्शन फिल्मों की। हिस्ट्री फिल्मों की बात करें, कॉन्सेप्चुअल फिल्मों की बात करें, किसी मुद्दे पे बात करें जो कि हाल ही में देश में घटना घटी हो, फिल्में बहुत कम बनती है। और अगर फिल्में वैसी बन भी जाती हैं तो उनको स्पेस बहुत कम मिलता है और वो लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंच पाती। एक फिल्म सामने आई है, द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल, एक बेहद ही संवेदनशील और भावनात्मक विषय पर बनाई गई फिल्म है, जो भारतीय राजनीतिक इतिहास की बेहद अहम घटनाओं में से एक है। दोस्तों कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बहुत से न्यूज सुने हैं, कि उनमें कितनी सच्चाई है और वहाँ क्या क्या एक्चुअल में होता है, सब कुछ हमारे तक, हम सभी लोगों तक नहीं पहुँच पाती। देखा जाए तो 1% ही हमारे तक वो न्यूज पहुँच पाती है कश्मीर की, वो भी वो तब आता है सामने जब बहुत ज्यादा वो केस हाइप पर हो जाता है। अभी जानते हैं कि कश्मीर में से पंडितों को भगाया गया था, वहाँ ऐसे हालात बन गए थे कि उन्हें अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके ऊपर क्या ऐसी बीतेगी, ऐसा क्या होगा आपके साथ कि आप अपना घर छोड़कर कहीं और जाएंगे। बात तो होगी नहीं, जरूर आपके साथ या आपके परिवार के साथ कुछ ब्रूटली अनहैपनिंग चीज हुई होगी जिसकी वजह से आप लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि पंडित अपने अपने घर छोड़कर कहीं और जाकर बसे। इन सभी चीजों को दिखाने के लिए एक फिल्म आ रही है द कश्मीर फाइल्स, कि एक्चुअल में कश्मीर में हुआ क्या था, वहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा था, किस तरह से वहाँ पे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था। इन सभी चीजों को आप देखेंगे सिर्फ एक फिल्म में, द कश्मीर फाइल्स में। ऐसा नहीं है कि इसमें जो कुछ दिखाया गया है सब कुछ झूठ होगा। जिसने फिल्म बनाई है विवेक अग्निहोत्री ने, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी काम करते हैं वो बहुत ही तसल्ली से और काफी रिसर्च के बाद काम करते हैं। मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा और सच में रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह से वहां पर कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से उनकी हत्याएं की जा रही है, सच में दिल को एक कचोटने वाली बात है। ये फिल्म 11 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिल्म बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, एक ऐसी फिल्म है जो सच में लोगों को देखनी चाहिए। वर्तमान पर फिल्म बनी है, ये एक ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनी है कि लोगों को जानना चाहिए कि आखिर एक्चुअल में कश्मीर में क्या हुआ था। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या कश्मीर फाइल्स की रिलीज डेट भी हुई पोस्टपोन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों का असर फिल्म उद्योग पर साफ नजर आ रहा है। महामारी के बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों ने सिनेमा घरों को बंद कर दिया है। सिनेमा प्रेमियों को कश्मीरी पंडितों की कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। अभिनेता अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है। ये फिल्म पहले 26 जनवरी 2022 को रिलीज की जानी थी। सिनेमा घरों में निर्माताओं ने द कश्मीर फाइल्स का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और देश के बढ़ते राज्यों के सिनेमा घरों के बंद होने की वजह से निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। इस महामारी के खिलाफ साथ में लड़ते हैं, मास्क पहने और सुरक्षित रहे। विवेक रंजन अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक और लेखक है। फिल्म में आपको मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी जैसे एक्टर्स दिखने वाले हैं। ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द, पीड़ा और संघर्ष की कहानी है। साथ ही लोकतंत्र, धर्म, राजनीति और मानवता के बारे में आंखें खोलने वाले तथ्यों पर आधारित है। फिल्म में 1990 के कश्मीरी पंडितों के हालात दिखाए जाएंगे। एक्टर अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल्स में पुष्कर नाथ पंडित का किरदार निभाया है, जो पेशे से प्रोफेसर है। वो श्रीनगर में अपने बेटे, बहू और दो पोतों के साथ रहते हैं। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला मोशन पोस्टर शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, मैंने फैसला लिया है कि द कश्मीर फाइल्स की परफॉर्मेंस को पुष्कर नाथ जी को समर्पित करता हूँ। मेरे किरदार का नाम पुष्कर है। ये कश्मीरी पंडितों की कहानी है जो 30 साल से दुनिया से छिपी हुई थी, जिसका खुलासा 26 जनवरी 2022 को होगा। बहरहाल अब ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है 26 जनवरी को। जैसे ही अपडेट सामने आती है हम आपको बता देंगे। कौन सी इच्छा रह गई अधूरी? कश्मीर फ्लाइज का कौन सा गाना गाने वाली थी लता दाई? भारत की सबसे पॉपुलर गायिका लता मंगेशकर का रविवार 6 फरवरी की सुबह निधन हो गया। पूरा देश 92 इयर्स की लता के निधन से सदमे में है।
फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग अपनी इस दिग्गज गायिका के निधन पर शोक में। लता मंगेशकर पिछले काफी समय से फिल्मों में गाने नहीं गा रही थी, हालांकि उन्होंने एक फिल्म में अपनी आवाज देने के लिए पिछले साल हामी भरी थी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बताया कि लता मंगेशकर ने पिछले साल मार्च में आगामी फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए हामी भरी थी। विवेक ने कहा, कश्मीर फाइल्स में कोई गाना नहीं है, ये एक दुखद फिल्म है, लेकिन ये कश्मीर के पीड़ितों को एक श्रद्धांजलि भी है। दरअसल मैंने फिल्म के लिए एक कश्मीरी सिंगर का लोक गीत रिकॉर्ड किया था और मैं चाहता था कि लता दीदी इसे गाए। उन्होंने फिल्मों के लिए गाना बंद कर दिया था, लेकिन मैंने उनसे ये गाना रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट की थी। विवेक ने आगे कहा, लता दीदी पल्लवी जोशी यानी कि विवेक की पत्नी के काफी नजदीक थी, इसलिए वो हमारी फिल्म के लिए गाना गाने के लिए राजी हो गई थी। कश्मीर उनके दिल से बहुत करीब था और उन्होंने कहा कि वो कोविड खत्म होने के बाद वह इस गाने के लिए रिकॉर्ड करने वाली थी। हम लोग गाना रिकॉर्ड किए जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ये गाना मेरे लिए एक सपना ही रह गया। लता के साथ अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए विवेक ने कहा, मुझे याद है कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नया था तो मैंने एक शो किया था जहां लता दीदी आई थी। आजकल एक्टर्स और सिंगर सेलिब्रिटीज की तरह व्यवहार करते, लेकिन सबसे बड़ा सितारा होने के बावजूद लता दीदी बेहद सादगी से भरपूर थी। आप जब उनसे मिलते तो वो आपको अपनी माँ जैसी लगती थी, इतनी ममता थी उनके अंदर। उन्होंने मुझसे कहा था, आपके अंदर इतनी प्रतिभा है कि कभी आपको जरूरत पड़े तो निष्कोच मुझे बताएं। विवेक ने लता मंगेशकर के बारे में आगे बात करते हुए कहा, एक चीज और जो लोग उनके बारे में नहीं जानते वो ये है कि उन्हें रियलिटी शोज और फिल्में बहुत पसंद है। हालांकि उन्होंने थिएटर जाना बंद कर दिया था, लेकिन अगर उन्हें किसी की परफॉर्मेंस अच्छी लगती थी तो वो उन्हें लड्डू मिठाई और फूल भेजती थी। लता जी अपनी पर्सनालिटी के ये भाग लोगों को नहीं बताती, वो अपने देश से बहुत प्यार करती थी और देश को सम्मान दिलाने वाले लोगों को खुद कॉल कर उन्हें बधाई दिया करती थी। किस कॉन्सेप्ट पर बनी है द कश्मीर फाइल्स? कौन है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर और कब रिलीज होने वाली है ये फिल्म? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। विवेक अग्निहोत्री ने अपने करियर की शुरुआत चॉकलेट, हिट स्टोरी, धन धनाधन गोल जैसी कमर्शियल फिल्मों से की थी। पिछले कुछ सालों से सोशल पॉलिटिक्स मुद्दों पर फिल्म बना रहे हैं। 2019 में उनकी द ताशकंद फाइल्स रिलीज हुई थी और आज उनकी नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म में विवेक ने कश्मीर में अर्ली 90s में हुई घटनाओं को अपने नजरिए से दिखलाया है। 3.5 मिनट लंबे द कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर की क्या है खास पहलू, इस पर बात करते हैं। द कश्मीर फाइल्स सन 90 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटना का एक काल्पनिक चित्रण है। फिल्म में कश्मीर में उस वक्त हुई हिंसा, अगलावाद, हिंदू मुस्लिम टकराव जैसे मुद्दों को दिखाया गया है। फिल्म हिंसक घटनाओं पर आधारित है, लिहाजा विवेक ने फिल्म का कलर टोन भी डार्क रखा है। द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर में दिखाया जाता है कि उस समय भड़की हिंसा में वहां के मासूम लोगों, खासकर कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती थी। फिल्म में विवेक ने उस टाइम के पॉलिटिकल सिनेरियो को भी अपने अंदाज में पर्दे पर उतारा है। ट्रेलर में मिथुन चक्रवर्ती दिखाई देते हैं जो एक लंबे वक्त बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। इनके अलावा पुनीत इसर हैं जो किसी पद्मश्री नेता के किरदार में हैं। इस रोल में पहले योगराज सिंह थे, उन्हें हिंदुओं को लेकर दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से फिल्म से निकाल दिया गया। इनके अलावा फिल्म में एक्ट्रेस और विवेक अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी जोशी भी है, वो एक एक्टिविस्ट की भूमिका में है। ट्रेलर में उनके किरदार को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है। मैरी कॉम और द फैमिली मैन जैसे शोज और फिल्मों में काम कर चुके दर्शन कुमार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। ट्रेलर में एक लंबे अरसे बाद अनुपम खेर इम्पैक्टफुल पावरफुल परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। जैसे एक सीन है जहां वो कहते हुए दिखते हैं, जहां शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था, तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में। अनुपम जिस तरीके से हल्की सी रुआंस भरे चिल्लाते हुए ये संवाद कहते हैं, उसे देख उनकी पहली फिल्म सारांश की याद आ जाती है। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें वो शिव की वेशभूषा में गन पॉइंट पर बिलखते हुए दिखते हैं। इस सीन में भी अनुपम खेर की अदायगी अव्वल दर्जे की लगती है। विवेक द कश्मीर फाइल्स के सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं है, इन्होंने ही द कश्मीर फाइल्स का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। विवेक सिर्फ राजनीतिक फिल्में ही बनाते हैं, अक्सर वो ट्विटर पर राजनीतिक मुद्दों पर भी अपना पक्ष रखते रहते हैं। वो खुलकर अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक बतलाते हैं। द कश्मीर फाइल्स होली से एक हफ्ते पहले 11 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म जी स्टूडियोज के बैनर तले बनी है, यानी कि थिएटर्स से निकलकर फिल्म Zee5 पर उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड हैं
काफी लंबे समय बाद अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती को देखकर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। किस कश्मीरी पंडित ने खोले राज, किस हैवानियत से हुआ मनोबल खत्म, क्यों डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री है निशाने पर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये गाना याद है आपको। इस गाने का यही अर्थ है कि बस बड़ा नाम और दिल में खोट, या फिर यूं कहिए जो दिखता है वैसा होता नहीं। अब यही हाल है कश्मीर का। कश्मीर एक ऐसा शहर है जिसे जन्नत माना जाता है। अब इसे सच में जन्नत कहें या हैवानियत के ऊपर खड़ा किया गया दिखावा, कहते हैं कि कश्मीर की बर्फ को एक बार जरूर आजमाना चाहिए। पर जब हम द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर देखते हैं तब एहसास होता है कि उस बर्फ के नीचे खून की नदियां बह चुकी हैं। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से फिल्म का ट्रेलर सामने आया है तब से सबके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि उसमें ऐसा क्या दिखाया गया जिसे देखकर आंखों में आंसू और दिल में डर पैदा होता है। तो आज हम आपको उस कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमें 1990 का भयानक दौर, आतंकवाद और जीती जागती शिकार देखने को मिलेगी। ये कहानी है कश्मीरी पंडितों की, जिनकी जिंदगी तबाह करने में इस्लामवादियों ने पल भर का भी इंतजार नहीं किया। उनकी हैवानियत इतनी हावी हो चुकी थी कि उन्हें इस बात का अभी भी पछतावा नहीं होता। कश्मीरी पंडित को कश्मीरी ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो कश्मीरी हिंदू और सारस्वत ब्राह्मण का हिस्सा माने जाते हैं। वो कश्मीर के घाटी के पांच गौड़ ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं और इन कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनुपम खेर, जिनके किरदार का नाम है पुष्कर नाथ पंडित। कश्मीर में मुस्लिम प्रभाव बढ़ने से पहले वो उस घाटी में रहते थे, पर जैसे ही मुस्लिम प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा वहां के लोगों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने दहशत का स्लो पॉइजनिंग शुरू किया। जो इंसान खुद को भगवान या अल्लाह के बंदे कहला रहे थे उसी अल्लाह की दी गई जिंदगी को खत्म कर रहे थे। कहते हैं ना, धर्म के नाम पर टेररिज्म को गले लगाने वालों को भी जन्नत कभी हासिल नहीं होती। पर इन आतंकवादियों को ना ही अल्लाह का डर था ना ही इंसानियत का एहसास। इतनी दहशत में भी कश्मीर पंडित अपनी जान मुट्ठी में लेकर जिंदगी गुजार रहे थे। पर ये कब तक चलने वाला था? जिन लोगों के हाथ में AK-47 हो, जिसे वो अपनी ताकत मानते हो, उनका सामना करना पंडितों के लिए मुश्किल था। वो कोशिश भी करते थे तो उनका गला दबाया जाता था। पाकिस्तान हमारा है, इस्लाम अपनाओ या चले जाओ, ये नारे लगाकर उन आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को धमकियां देना शुरू कर दिया था। तभी पंडित भगवान से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह की उनकी जान बचाए। वो घर के बाहर भी नहीं निकलते थे, अपने बीवी बच्चों को लेकर घर में चोरों की तरह बैठे रहते थे। पर तब भी उनका कहना ना मानने पर वो दिन दहाड़े उनकी हत्या कर देते थे, खून की नदियां बहाते थे। जिस कश्मीर को हम नेचुरल ब्यूटी कहते हैं, वहां के हाथ खून से रंगे हुए हैं। और ऐसे ही उनका ये काफिला लंबे समय तक चलता रहा। पर अचानक साल 1990 की एक रात को बड़ा हंगामा हुआ। जब उनका मन नहीं भरा तो उन्हें मस्जिद जाकर जोरों से ऐलान कर दिया कि धर्म अपनाओ या फिर मर जाओ। घर छोड़कर जाना है तो बेशक जाओ, पर अपनी बेगम को यहाँ छोड़कर। मतलब औरतों पर भी बुरी नजर थी उन सब की। उन्हें पकड़कर छेड़ते थे, मारते थे और इज्जत पर हाथ डालने तक हिम्मत कर चुके थे। ये सब सुनकर कश्मीरी पंडित डर गए और तभी वहां से भाग जाने का फैसला उन्होंने कर लिया। उस वक्त भी कुछ भागने में कामयाब हो गए तो कुछ उनके हाथ लग गए, जिन्हें सजाए मौत मिली। मतलब कोई धर्म नहीं अपना रहा, कोई अपनी बात नहीं सुन रहा। हमें किसी से नफरत है तो हम उसके बदले में किसी की जान क्यों लें? क्या कसूर था उन कश्मीरी पंडितों का? क्या उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं? यही सवाल फिल्म में कृष्णा पंडित यानी दर्शन कुमार ने पूछे हैं फारूक अहमद यानी बिट्टा से, जो इस फिल्म में दहशतवादी बना है, जो कश्मीर पर अपनी हुकूमत बनाना चाहता है। ये खतरनाक किरदार निभा रहे हैं महाराष्ट्र के टैलेंटेड एक्टर चिन्मय मांडलेकर। वैसे भगवान की पूजा करने वाले पंडितों की रक्षा करने के लिए भगवान तो नहीं आए, तो अब उन्हें इस फिल्म के द्वारा इंसाफ मिलना चाहिए ना। यही कोशिश कर रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। आज भले ही सब उनके खिलाफ हो, उन्हें कॉर्नर करने का प्लान बना रहे हो, पर सच तो सच होता है। और उनके इस लड़ाई में कैनेडा में रहने वाले कश्मीरी पंडित ने उन्हें सपोर्ट किया है। वैसे तो उनका नाम नहीं बता सकते, पर एक कश्मीरी पंडित के वो पोते हैं। वो कश्मीर को बदनाम होते हुए नहीं देख सकते। उन्हें इतने सालों बाद इंसाफ और बदलाव चाहिए, जैसे फिल्म में अनुपम खेर के पोते कृष्णा पंडित यानी दर्शन भी इस आतंकवाद से अनजान है, पर सच्चाई सामने आने के बाद पूरे कश्मीर में बदलाव लाने की सोच रखते हैं। उस असली कश्मीरी पंडित ने आगे कहा कि उन्होंने टेररिज्म को काफी नजदीक से देखा है। वो 6 साल के थे तभी उन्हें ये समझ आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। दिन दहाड़े घर पर खिड़कियों पर पत्थर फेंके जाते थे, शीशे तोड़ दे जाते थे।
इतना ही नहीं, कुछ लोग रात को कश्मीर जैकेट पहनकर अंदर AK-47 लेकर घूमते थे अपने टारगेट को ढूंढते हुए। इतना खौफनाक वो दौर था। भारत पाकिस्तान मैच हो तब भी वो लोग शीशे तोड़ने से लेकर आग लगाने देने तक कुछ बाकी नहीं छोड़ते थे। और ऐसे दर्दनाक परिस्थितियों में रहना, वहां से दो जोड़ी कपड़े लेकर बच के निकलना हमारे लिए कितना मुश्किल था, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और तब भी लोग कश्मीरी पंडितों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? इतना बड़ा खुलासा किया है और अब भी उनकी बातों पर शक करना कहां का न्याय है? आज भी अगर उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतनी कड़वी दर्दनाक यादों के साथ वो जी रहे हैं, तो सोचिए उनका मनोबल किस कदर टूट गया होगा। क्या कसूर था उनका? क्या उन्हें जीने का हक नहीं था? अगर 10 लाख में से 10,000 पंडित जिंदा रहे हैं तो इससे क्या साबित होता है? यही कि इस्लामवादियों ने मासूमों का गला घोट दिया, वो भी धर्म के नाम पर अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए। इसी सत्य घटना को सामने लाने के लिए विवेक अग्निहोत्री ने ये कहानी लिखी और खुद ही इसे डायरेक्ट किया। आज भले ही लोगों ने ताने मारे, गालियां दी, झूठा कहा, पर उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर आवाज उठाई जिसे कई सालों तक दबाया गया था। सच में ये एक फियरलेस इंसान ही कर सकता है। उनके इस जर्नी में फिल्म की अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी बखूबी साथ निभाया है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला स्ट्रॉन्ग वुमेन निवेदिता मेनन का किरदार निभा रही हैं और साथ ही कृष्णा पंडित को मोटिवेट कर रही हैं इंसाफ के लिए लड़ने के लिए। इतना ही नहीं फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती IAS ब्रह्मा दत्त का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे फिल्म की कास्ट काफी एक्सपीरियंस्ड और तगड़ी है। विवेक के इस प्रयास में साथ देने के लिए उनको तैयार होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में बड़ी बड़ी बातें कहकर वहीं रोजाना स्टाइल दिखाया जाता है, पर कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की रिस्क नहीं लेना चाहता। जो इंसान सच को बाहर लाने की कोशिश करता है वो हर किसी का टारगेट बनता है, पर विवेक को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जो है वो सामने है, उन्हें धमकियां मिले, विरोध हो, चाहे कुछ भी हो, वो किसी को भी भीख नहीं डालने वाले। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी ली है उदय सिंह मोहिते ने, जो प्रोमिनेंटली मराठी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर उनकी कुछ पिछली फिल्में देखी जाएं तो मिस्टीरियस फिल्मों में उनकी मास्टरी है। फिल्म के काफी सीन्स पावरफुल लग रहे हैं, कई कई कुछ चीजें लैक हो रही हैं, पर कहानी और किरदारों की वजह से वो डिफरेंसेस नजर नहीं आते। देखा जाए तो ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, पर ओमिक्रोन के चलते पोस्टपोन हो गई, तो अब 11 मार्च को रिलीज करने का फैसला किया गया। पर जब ट्रेलर रिवील किया गया, व्यूज बढ़े और सब तरह ट्रेंड करने लगा, तब पता चला कि ऑडियंस सब कुछ भूलकर सिर्फ द कश्मीर फाइल्स देखना चाहती है, और उनकी एक्साइटमेंट देखकर यकीन होता है कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्यों पल्लवी जोशी से मिलकर शॉक हुए दर्शन कुमार? क्या विवेक अग्निहोत्री सच में ला पाएंगे क्रांति? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज तक हमने कश्मीर की खूबसूरती देखी है, पर इस खूबसूरती को दाग लगाया है आतंकवादियों ने इस्लाम धर्म के नाम पर दहशत पैदा करके। ये सुनने के बाद आपको हैरानी हुई होगी, क्या सच में कश्मीर की वादियों में छुपा है कोई राज जिससे पूरी दुनिया सालों से अनजान है? सही पहचाना आपने। अगर आप भी ये सच जानना चाहते हैं तो कश्मीर फाइल्स को ओपन करके हर एक पन्ना ध्यान से पढ़िए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन दिनों हर किसी के निशाने पर रहने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक ऐसे सीक्रेट को रिवील किया है जिसे सुनने के बाद ऑडियंस शॉक में है। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित के बारे में आपने सुना है, ज्यादातर लोगों को और खास करके आज की यूथ को उसकी कानों कान खबर नहीं होगी, इसलिए तो ये फिल्म देखना काफी जरूरी है। हमारे यहाँ पर धर्म को लेकर लोग काफी पॉजिटिव हैं और कभी कभी इतना एग्रेशन दिखाते हैं कि कभी तोड़फोड़ करते हैं तो कभी किसी की हत्या। पर क्या सच में धर्म ये सिखाता है, या किसी धर्म का भगवान सिखाता है किसी की हत्या करना? अगर भगवान एक ही है और हम सब भगवान के बच्चे हैं तो इतनी नफरत कहाँ से आती है? आपको बताते हैं कि कश्मीरी पंडित यानी कि कश्मीरी हिंदू या ब्राह्मण भगवान के भक्त हैं, और इस्लामवादी आतंकवादी भी भगवान को पूजते हैं। फिर क्यों उन्होंने कश्मीर जैसे खूबसूरत शहर को हत्याकांड का दाग लगाया? ये कश्मीर पंडित कश्मीरी घाटी में कई सालों से रह रहे थे, जब वहां पर इस्लाम का प्रभाव नहीं था। जैसे ही इस्लामियों की वादियों में संख्या बढ़ गई और वो धर्म बदलने की जबरदस्ती करने लगे, तब कश्मीरी पंडितों की जिंदगी बदतर होने लगी। क्योंकि कश्मीरी पंडित हो, उनके बच्चे हो, बूढ़े हो, सब पर धर्म बदलो या फिर निकल जाओ ये कहकर दबाव डाला जाता था। लोग इस कदर परेशान हो चुके थे कि वो अपनी जान मुट्ठी में लेकर रहते थे, पर इन इस्लामवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके हाथ में सिर्फ AK-47 ही दिखती थी, जिसके निशाने पर धर्म ना बदलने वाले लोग और खास करके ये कश्मीरी पंडित थे।
जब आप वो फिल्म देखेंगे तब इन कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक हालातों से आपको रूबरू कराएंगे लेजेंडरी एक्टर अनुपम खेर, जो पुष्कर नाथ पंडित का किरदार निभा रहे हैं। उनकी आंखों से टपकते हुए हर एक आंसू में दर्द झलकता है। इस दौरान अपने शहर उनसे मिलने आता है उनका पोता कृष्णा पंडित यानी दर्शन कुमार, जिसे पॉलिटिक्स चुनाव में इंटरेस्ट है और वो काफी कुछ बदलाव करना चाहता है, पर वो कश्मीरी पंडितों की हालत से अनजान है। वो जब अपने घर आता है तब वहां का माहौल देखकर हैरान होता है। उसे अपने ही परिवार को लेकर गलत फहमियां होती हैं और इस गलत फहमियों को और बढ़ावा देता है वहां का आतंकवादी फारूकी अहमद उर्फ बिट्टा, जिसका किरदार निभा रहे हैं मराठी एक्टर चिन्मय मांडलेकर, जो अपने माँ भाइयों को भी जान से मार सकता है और ये कहते हुए उसकी आंखों में जरा भी दर्द नहीं दिखता, दिखती है तो बस हैवानियत। सच में ये आतंकवादी ऐसे ही जिन्होंने कश्मीरी पंडित के घर जलाकर उन्हें घर में घुसकर मारने तक सब कुछ किया और धमकाकर उनका जीना हराम कर दिया। अपनी जान की परवाह करते हुए कोई भी इंसान घर के बाहर कदम नहीं रखता था। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि कश्मीरी पंडित को ही क्यों टारगेट किया जा रहा था। इसकी वजह यह है कि कश्मीरी पंडित एजुकेटेड थे, उनके पास दुनिया भर का नॉलेज था। वो भगवान को पूछते हुए अपनी शिक्षा का भी मान रखते थे, इसलिए तो पहले वो इन आतंकवादियों की दहशत को भी भीख डालते नहीं थे। उन आतंकवादियों के लिए भी किसी सीधे साधे इंसान को धर्म बदलने के लिए मजबूर कराना आसान था, पर कश्मीरी पंडित को धर्म को लेकर अच्छी समझ थी, इसलिए तो उन्हें जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहा जाता था। वैसे तो उनके सामने तीन ऑप्शन रखे जाते थे, एक तो धर्म बदलो, दूसरा यहाँ से निकल जाओ और तीसरा निकल जाओ पर अपनी बेगम को यहाँ छोड़ के जाओ। अब ये सुनने के बाद कश्मीरी पंडित क्या करते? बीवी बच्चों की जान और इज्जत के साथ खिलवाड़ होने देते? आज शाम औरतों का सम्मान उनकी इज्जत और ताकत पर काफी बातें करते हैं। औरत सच में पावरफुल होती है, पर उस समय कौन था उनकी रक्षा करने के लिए? कईयों के साथ रेप हुआ तो कई औरतों को किडनैप किया गया। उस वक्त के नेताओं ने क्या किया? औरतों को कोई खास सुरक्षा दी? उनकी परिस्थितियों पर हल निकाला? उनकी हिफाजत करते हुए उन्हें वहां से निकलने के लिए मदद की? ऐसा भी कुछ नहीं किया गया और इसलिए तो आतंकवादियों को बढ़ावा मिल गया। 1990 की रात को उन्होंने मस्जिद में जाकर अजान के बदले ऐलान कर दिया कि ये हमारा मुल्क है, निकल जाओ वरना मर जाओ। ये सुनकर कश्मीरी पंडितों ने ठान लिया कि वो कश्मीरी घाटी से जम्मू की ओर निकल जाएंगे। कुछ लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए तो कुछ वहां फंस गए। कुछ कश्मीरी समुदायों के अनुसार जनवरी 1990 में 75,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित वहां रह रहे थे। उसमें से लगभग 2,000 फैमिलीज 3 दशकों तक वहां जिंदा रही। मतलब देखा आपने, इतने सारे लोगों को उन हैवानों ने मार दिया, तो क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? कई लोगों को फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद भी कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए अब खुद दर्शन कुमार सच जान लेते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान दर्शन ने कहा कि फिल्म को लेकर जब मैं पहली बार पल्लवी जोशी से मिलने उनके ऑफिस गया था, तब उन्होंने मुझे 2-3 वीडियोस दिखाए। वीडियो में देश भर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की जुबानी रिकॉर्डिंग की गई थी। मतलब पूरे देश में सर्वे करके 700 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों से मुलाकात करके सारी जानकारी लेकर वीडियोस बनाए गए थे और उनका कहा गया हर एक शब्द विवेक अग्निहोत्री ने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा था। मतलब कोई बदलाव नहीं था। जिन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए और उसके बाद उन्हें इंसानियत का मतलब समझ आएगा। तो अब तक समझ आया होगा कि ये फिल्म कोई बचपना नहीं है। जिन लोगों को इसमें कोई गहराई नजर नहीं आती, शायद उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए। उसी के साथ साथ विवेक अग्निहोत्री दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, ये जानना भी काफी जरूरी है, क्योंकि आज जितने भी वीडियो और फिल्मी दुनिया की खबरें हवा की तरह फैल रही हैं, उनमें सिर्फ विवेक को टारगेट किया जा रहा है। पर अनुपम खेर जी के साथ एक सेगमेंट के दौरान वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, तब उनके मुंह से जय हिंदुस्तान के 2 शब्द निकले और उसके बाद तालियों की बरसात हो रही थी। इसका मतलब लोगों को उनका नजरिया पसंद आ रहा है। वैसे इतने रिस्की मुद्दे को 3 घंटे में पेश करना, उससे जुड़े विवाद पर खुलकर बात करते हुए शेर की तरह निषेध करना, ये किसी क्रांति से कम है क्या? वो जानते हैं कि उनकी जान को काफी खतरा है, क्योंकि अभी तक लोगों की मेंटालिटी बिल्कुल भी बदली नहीं है धर्म और जात को लेकर, पर तब भी वो पीछे नहीं हट रहे। शायद बॉलीवुड में ऐसे लोगों की काफी जरूरत है जो एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी दिखाना नहीं चाहते। ऐसे नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की नहीं बल्कि ऑडियंस की पड़ी है। वैसे 2 हफ्तों में ट्रेलर को करोड़ों व्यूज मिले हैं। इसी तरह विवेक और उनकी पूरी टीम ऑडियंस का जेन्युइन रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रही है। ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, पर तब भी विवेक ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो अपनी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट है।
पता नहीं बॉलीवुड में उन्हें कौन कितना सपोर्ट कर रहा है, पर अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक्सपीरियंस्ड कलाकार अगर इस फिल्म का हिस्सा बने हैं तो जरूर उसमें कोई तो बात होगी। खैर बॉलीवुड में क्या होगा पता नहीं, पर ऑडियंस क्या सोचती है ये ज्यादा मायने रखता है। आज की यूथ को इस कश्मीरी पंडितों का दर्द जरूर समझ आएगा, ये तो साफ नजर आ रहा है उनके कमेंट और लाइक से। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियो। दोस्तों दिस कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद सामने आया। खुद डिसाइड करें। फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को द कश्मीर फाइल्स के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये फिल्म कश्मीरी पंडित समुदाय के नरसंहार के पहले की पीढ़ी के दस्तावेजों और इंटरव्यू के आधार पर बनाई गई है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार द कश्मीर फाइल्स को भारत में नहीं रिलीज करने की धमकी दी जा रही है। इसके लिए उन्होंने धमकी और डराने वाले फोन कॉल भी आ रहे हैं। 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स को भारत के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को यूएस में 30 से अधिक बार दिखाया गया। विवेक अग्निहोत्री के यूएस में फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए बोला जा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले से लेकर एक या दो कॉल ही विवेक के पास आ रहे थे। बीते कुछ समय से लगातार विवेक को कई धमकी भरे फोन आ चुके। विवेक को फोन पर बोला जा रहा है कि अगर कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। फिलहाल इस फिल्म को लेकर विवेक अग्निहोत्री की तरफ से रिलीज ना करने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। द कश्मीर फाइल का पोस्टर अमेरिका में द बिग एप्पल के टाइम स्क्वायर टावर पर लगाया गया है। एक अंग्रेजी वेबसाइट से बात करते विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि ये फिल्म केवल कश्मीरी पंडित की फिल्म नहीं है, ये हर भारतीय की फिल्म है। आपको बता दें कि कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी अहम किरदार प्ले करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। ये कश्मीरी पंडितों के दर्द, संघर्ष और उनकी कहानी और उनके सफर को बयां करती है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म में 1990s के दशक कश्मीर पंडितों के हालात को दिखाया। अनुपम खेर का किरदार कहानी के मुख्य में है, जिसका नाम पुष्करनाथ पंडित है, जो एक प्रोफेसर है। पुष्करनाथ पंडित अपने बेटे, बहू और दो पोतों के साथ श्रीनगर में रहते हैं। अनुपम खेर ने अपने किरदार के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि वो कहानी है जो कि 30 साल से दुनिया से छिपी हुई है। वेल, हम सभी को फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। एक माइंड ब्लोइंग फिल्म होने वाली है ये। अनुपम सर है तो आप समझ ही सकते हैं कि फिल्म का लेवल क्या होने वाला है। वेल, आपको क्या कहना है इसके बारे में, इस थ्रेड कॉल के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, इंडिया में बहुत सी फिल्में बनती हैं, उसमें सबसे ज्यादा काउंटिंग होती है रोमांटिक फिल्म्स की और एक्शन फिल्मों की। हिस्ट्री फिल्मों की बात करें, कॉन्सेप्चुअल फिल्मों की बात करें, या किसी मुद्दे पे बात करें जो कि हाल ही में देश में घटना घटी हो, फिल्में बहुत कम बनती है। पर अगर फिल्में वैसी बन भी जाती हैं तो उनको स्पेस बहुत कम मिलता है और वो लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंच पाती। एक फिल्म सामने आई है, द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल, एक बेहद ही संवेदनशील और भावनात्मक विषय पर बनाई गई फिल्म है, जो भारतीय राजनीतिक इतिहास की बेहद अहम घटनाओं में से एक है। दोस्तों, कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बहुत से न्यूज सुने हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है और वहाँ क्या क्या एक्चुअल में होता है, सब कुछ हमारे तक, हम सभी लोगों तक नहीं पहुँच पाती। देखा जाए तो 1% ही हमारे तक वो न्यूज पहुँच पाती है कश्मीर की, वो भी वो तब आता सामने जब बहुत ज्यादा वो केस हाइप पर हो जाता है। अभी जानते हैं कि कश्मीर में से पंडितों को भगाया गया था। वहाँ ऐसे हालात बन गए थे कि उन्हें अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके ऊपर क्या ऐसी बीतेगी, ऐसा क्या होगा आपके साथ कि आप अपना घर छोड़कर कहीं और जाएंगे। बात तो होगी नहीं, जरूर आपके साथ या आपके परिवार के साथ कुछ ब्रूटली अनहैपनिंग चीज हुई होगी, जिसकी वजह से आप लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि पंडित अपने अपने घर छोड़कर कहीं और जाकर बसे? इन सभी चीजों को दिखाने के लिए एक फिल्म आ रही है द कश्मीर फाइल्स, कि एक्चुअल में कश्मीर में हुआ क्या था, वहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा था, किस तरह से वहाँ पे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था। इन सभी चीजों को आप देखेंगे सिर्फ एक फिल्म में, द कश्मीर फाइल्स में। ऐसा नहीं है कि इसमें जो कुछ दिखाया गया है सब कुछ झूठ होगा। जिसने फिल्म बनाई है विवेक अग्निहोत्री ने, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी काम करते हैं वो बहुत ही तसल्ली से और काफी रिसर्च के बाद काम करते हैं। मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा और सच में रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह से वहां पर नीर में लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से उनकी हत्याएं की जा रही है, सच में दिल को कचोटने वाली बात है। ये फिल्म 11 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है।
फिल्म बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। एक ऐसी फिल्म है जो सच में लोगों को देखनी चाहिए। वर्तमान पर फिल्म बनी है, ये एक ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनी है कि लोगों को जानना चाहिए कि आखिर एक्चुअल में कश्मीर में क्या हुआ था। बल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या कश्मीर फाइल्स की रिलीज डेट भी हुई पोस्टपोन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों का असर फिल्म उद्योग पर साफ नजर आ रहा है। महामारी के बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों ने सिनेमा घरों को बंद कर दिया है। सिनेमा प्रेमियों को कश्मीरी पंडितों की कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। अभिनेता अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है। ये फिल्म पहले 26 जनवरी 2022 को रिलीज की जानी थी। सिनेमा घरों में निर्माताओं ने द कश्मीर फाइल्स का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और देश के बढ़ते राज्यों के सिनेमा घरों के बंद होने की वजह से निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। इस महामारी के खिलाफ साथ में लड़ते हैं, मास्क पहने और सुरक्षित रहे। विवेक रंजन अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक और लेखक है। फिल्म में आपको मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी जैसे एक्टर्स दिखने वाले हैं। ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द, पीड़ा और संघर्ष की कहानी है। साथ ही लोकतंत्र, धर्म, राजनीति और मानवता के बारे में आंखें खोलने वाले तथ्यों पर आधारित है। फिल्म में 1990 के कश्मीरी पंडितों के हालात दिखाए जाएंगे। एक्टर अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल्स में पुष्कर नाथ पंडित का किरदार निभाया है, जो पेशे से प्रोफेसर है। वो श्रीनगर में अपने बेटे, बहू और दो पोतों के साथ रहते हैं। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला मोशन पोस्टर शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, मैंने फैसला लिया है कि द कश्मीर फाइल्स की परफॉर्मेंस को पुष्कर नाथ जी को समर्पित करता हूँ। मेरे किरदार का नाम पुष्कर है। ये कश्मीरी पंडितों की कहानी है जो 30 साल से दुनिया से छिपी हुई थी, जिसका खुलासा 26 जनवरी 2022 को होगा। बहरहाल, अब ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है 26 जनवरी को। जैसे ही अपडेट सामने आती है हम आपको बता देंगे। कौन सी इच्छा रह गई अधूरी? कश्मीर फ्लाइज का कौन सा गाना गाने वाली थी लता दाई? भारत की सबसे पॉपुलर गायिका लता मंगेशकर का रविवार 6 फरवरी की सुबह निधन हो गया। पूरा देश 92 इयर्स की लता के निधन से सदमे में है। फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग अपनी इस दिग्गज गायिका के निधन पर शोक में। लता मंगेशकर पिछले काफी समय से फिल्मों में गाने नहीं गा रही थी। हालांकि उन्होंने एक फिल्म में अपनी आवाज देने के लिए पिछले साल हामी भरी थी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बताया कि लता मंगेशकर ने पिछले साल मार्च में आगामी फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए हामी भरी थी। विवेक ने कहा, कश्मीर फाइल्स में कोई गाना नहीं है, ये एक दुखद फिल्म है, लेकिन ये कश्मीर के पीड़ितों को एक श्रद्धांजलि भी है। दरअसल मैंने फिल्म के लिए एक कश्मीरी सिंगर का लोकगीत रिकॉर्ड किया था और मैं चाहता था कि लता दीदी इसे गाए। उन्होंने फिल्मों के लिए गाना बंद कर दिया था, लेकिन मैंने उनसे ये गाना रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट की थी। विवेक ने आगे कहा, लता दीदी पल्लवी जोशी यानी कि विवेक की पत्नी के काफी नजदीक थी, इसलिए वो हमारी फिल्म के लिए गाना गाने के लिए राजी हो गई थी। कश्मीर उनके दिल से बहुत करीब था और उन्होंने कहा कि वो कोविड खत्म होने के बाद वह इस गाने के लिए रिकॉर्ड करने वाली थी। हम लोग गाना रिकॉर्ड किए जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ये गाना मेरे लिए एक सपना ही रह गया। लता के साथ अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए विवेक ने कहा, मुझे याद है कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नया था तो मैंने एक शो किया था जहां लता दीदी आई थी। आजकल एक्टर्स और सिंगर सेलिब्रिटीज की तरह व्यवहार करते, लेकिन सबसे बड़ा सितारा होने के बावजूद लता दीदी बेहद सादगी से भरपूर थी। आप जब उनसे मिलते तो वो आपको अपनी माँ जैसी लगती थी, इतनी ममता थी उनके अंदर। उन्होंने मुझसे कहा था, आपके अंदर इतनी प्रतिभा है कि कभी आपको जरूरत पड़े तो निष्कोच मुझे बताएं। विवेक ने लता मंगेशकर के बारे में आगे बात करते हुए कहा, एक चीज और जो लोग उनके बारे में नहीं जानते वो ये है कि उन्हें रियलिटी शोज और फिल्में बहुत पसंद है। हालांकि उन्होंने थिएटर जाना बंद कर दिया था, लेकिन अगर उन्हें किसी की परफॉर्मेंस अच्छी लगती थी तो वो उन्हें लड्डू, मिठाई और फूल भेजती थी। लता जी अपनी पर्सनालिटी के ये भाग लोगों को नहीं बताती थी। वो अपने देश से बहुत प्यार करती थी और देश को सम्मान दिलाने वाले लोगों को खुद कॉल कर उन्हें बधाई दिया करती थी। किस कॉन्सेप्ट पर बनी है द कश्मीर फाइल्स? कौन है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर और कब रिलीज होने वाली है ये फिल्म? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में।
विवेक अग्निहोत्री ने अपने करियर की शुरुआत चॉकलेट, हेट स्टोरी, धन धनाधन गोल जैसी कमर्शियल फिल्मों से की थी। पिछले कुछ सालों से सोशल पॉलिटिक्स मुद्दों पर फिल्म बना रहे हैं। 2019 में उनकी द ताशकंद फाइल्स रिलीज हुई थी और आज उनकी नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म में विवेक ने कश्मीर में अर्ली 90s में हुई घटनाओं को अपने नजरिए से दिखलाया है। 3.5 मिनट लंबे द कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर की क्या है खास पहलू, इस पर बात करते हैं। द कश्मीर फाइल्स सन 90 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटना का एक काल्पनिक चित्रण है। फिल्म में कश्मीर में उस वक्त हुई हिंसा, अगलावाद, हिंदू मुस्लिम टकराव जैसे मुद्दों को दिखाया गया है। फिल्म हिंसक घटनाओं पर आधारित है, लिहाजा विवेक ने फिल्म का कलर टोन भी डार्क रखा है। द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर में दिखाया जाता है कि उस समय भड़की हिंसा में वहां के मासूम लोगों, खासकर कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती थी। फिल्म में विवेक ने उस टाइम के पॉलिटिकल सिनेरियो को भी अपने अंदाज में पर्दे पर उतारा है। ट्रेलर में मिथुन चक्रवर्ती दिखाई देते हैं जो एक लंबे वक्त बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। इनके अलावा पुनीत इसर हैं जो किसी पद्मश्री नेता के किरदार में हैं। इस रोल में पहले योगराज सिंह थे, उन्हें हिंदुओं को लेकर दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से फिल्म से निकाल दिया गया। इनके अलावा फिल्म में एक्ट्रेस और विवेक अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी जोशी भी है, वो एक एक्टिविस्ट की भूमिका में है। ट्रेलर में उनके किरदार को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है। मैरी कॉम और द फैमिली मैन जैसे शोज और फिल्मों में काम कर चुके दर्शन कुमार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। ट्रेलर में एक लंबे अरसे बाद अनुपम खेर इम्पैक्टफुल पावरफुल परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। जैसे एक सीन है जहां वो कहते हुए दिखते हैं, जहां शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था, तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में। अनुपम जिस तरीके से हल्की सी रुआंस भरे चिल्लाते हुए ये संवाद कहते हैं, उसे देख उनकी पहली फिल्म सारांश की याद आ जाती है। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें वो शिव की वेशभूषा में गन पॉइंट पर बिलखते हुए दिखते हैं। इस सीन में भी अनुपम खेर की अदायगी अव्वल दर्जे की लगती है। विवेक द कश्मीर फाइल्स के सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं है, इन्होंने ही द कश्मीर फाइल्स का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। विवेक सिर्फ राजनीतिक फिल्में ही बनाते हैं, अक्सर वो ट्विटर पर राजनीतिक मुद्दों पर भी अपना पक्ष रखते रहते हैं। वो खुलकर अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक बतलाते हैं। द कश्मीर फाइल्स होली से एक हफ्ते पहले 11 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म जी स्टूडियोज के बैनर तले बनी है, यानी कि थिएटर्स से निकलकर फिल्म Zee5 पर उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड हैं काफी लंबे समय बाद अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती को देखकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। किस कश्मीरी पंडित ने खोले राज, किस हैवानियत से हुआ मनोबल खत्म, क्यों डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री है निशाने पर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज। होली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये गाना याद है आपको। इस गाने का यही अर्थ है कि बस बड़ा नाम और दिल में खोट, या फिर यूं कहिए जो दिखता है वैसा होता नहीं। अब यही हाल है कश्मीर का। कश्मीर एक ऐसा शहर है जिसे जन्नत माना जाता है। अब इसे सच में जन्नत कहें या हैवानियत के ऊपर खड़ा किया गया दिखावा, कहते हैं कि कश्मीर की बर्फ को एक बार जरूर आजमाना चाहिए। पर जब हम द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर देखते हैं तब एहसास होता है कि उस बर्फ के नीचे खून की नदियां बह चुकी हैं। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से फिल्म का ट्रेलर सामने आया है तब से सबके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि उसमें ऐसा क्या दिखाया गया जिसे देखकर आंखों में आंसू और दिल में डर पैदा होता है। तो आज हम आपको उस कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमें 1990 का भयानक दौर, आतंकवाद और जीती जागती शिकार देखने को मिलेगी। ये कहानी है कश्मीरी पंडितों की, जिनकी जिंदगी तबाह करने में इस्लामवादियों ने पल भर का भी इंतजार नहीं किया। उनकी हैवानियत इतनी हावी हो चुकी थी कि उन्हें इस बात का अभी भी पछतावा नहीं होता। कश्मीरी पंडित को कश्मीरी ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो कश्मीरी हिंदू और सारस्वत ब्राह्मण का हिस्सा माने जाते हैं। वो कश्मीर के घाटी के 5 गौड़ ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं और इन कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनुपम खेर, जिनके किरदार का नाम है पुष्कर नाथ पंडित। कश्मीर में मुस्लिम प्रभाव बढ़ने से पहले वो उस घाटी में रहते थे, पर जैसे ही मुस्लिम प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा वहां के लोगों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने दहशत का स्लो पॉइजनिंग शुरू किया। जो इंसान खुद को भगवान या अल्लाह के बंदे कहला रहे थे उसी अल्लाह की दी गई जिंदगी को खत्म कर रहे थे। कहते हैं ना, धर्म के नाम पर टेररिज्म को गले लगाने वालों को भी जन्नत कभी हासिल नहीं होती, पर इन आतंकवादियों को ना ही अल्लाह का डर था ना ही इंसानियत का एहसास। इतनी दहशत में भी कश्मीर पंडित अपनी जान मुट्ठी में लेकर जिंदगी गुजार रहे थे।
पर ये कब तक चलने वाला था? जिन लोगों के हाथ में AK-47 हो, जिसे वो अपनी ताकत मानते हो, उनका सामना करना पंडितों के लिए मुश्किल था। वो कोशिश भी करते थे तो उनका गला दबाया जाता था। पाकिस्तान हमारा है, इस्लाम अपनाओ या चले जाओ, ये नारे लगाकर उन आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को धमकियां देना शुरू कर दिया था। तभी पंडित भगवान से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह की उनकी जान बचाए। वो घर के बाहर भी नहीं निकलते थे, अपने बीवी बच्चों को लेकर घर में चोरों की तरह बैठे रहते थे। पर तब भी उनका कहना ना मानने पर वो दिन दहाड़े उनकी हत्या कर देते थे, खून की नदियां बहाते थे। जिस कश्मीर को हम नेचुरल ब्यूटी कहते हैं, वहां के हाथ खून से रंगे हुए हैं। और ऐसे ही उनका ये काफिला लंबे समय तक चलता रहा। पर अचानक साल 1990 की एक रात को बड़ा हंगामा हुआ। जब उनका मन नहीं भरा तो उन्हें मस्जिद जाकर जोरों से ऐलान कर दिया कि धर्म अपनाओ या फिर मर जाओ। घर छोड़कर जाना है तो बेशक जाओ, पर अपनी बेगम को यहाँ छोड़कर। मतलब औरतों पर भी बुरी नजर थी उन सब की। उन्हें पकड़कर छेड़ते थे, मारते थे और इज्जत पर हाथ डालने तक हिम्मत कर चुके थे। ये सब सुनकर कश्मीरी पंडित डर गए और तभी वहां से भाग जाने का फैसला उन्होंने कर लिया। उस वक्त भी कुछ भागने में कामयाब हो गए तो कुछ उनके हाथ लग गए, जिन्हें सजाए मौत मिली। मतलब कोई धर्म नहीं अपना रहा, कोई अपनी बात नहीं सुन रहा। हमें किसी से नफरत है तो हम उसके बदले में किसी की जान क्यों लें? क्या कसूर था उन कश्मीरी पंडितों का? क्या उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं? यही सवाल फिल्म में कृष्णा पंडित यानी दर्शन कुमार ने पूछे हैं फारूक अहमद यानी बिट्टा से, जो इस फिल्म में दहशतवादी बना है, जो कश्मीर पर अपनी हुकूमत बनाना चाहता है। ये खतरनाक किरदार निभा रहे हैं महाराष्ट्र के टैलेंटेड एक्टर चिन्मय मांडलेकर। वैसे भगवान की पूजा करने वाले पंडितों की रक्षा करने के लिए भगवान तो नहीं आए, तो अब उन्हें इस फिल्म के द्वारा इंसाफ मिलना चाहिए ना। यही कोशिश कर रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। आज भले ही सब उनके खिलाफ हो, उन्हें कॉर्नर करने का प्लान बना रहे हो, पर सच तो सच होता है। और उनकी इस लड़ाई में कनाडा में रहने वाले कश्मीरी पंडित ने उन्हें सपोर्ट किया है। वैसे तो उनका नाम नहीं बता सकते, पर एक कश्मीरी पंडित के वो पोते हैं। वो कश्मीर को बदनाम होते हुए नहीं देख सकते। उन्हें इतने सालों बाद इंसाफ और बदलाव चाहिए, जैसे फिल्म में अनुपम खेर के पोते कृष्णा पंडित यानी दर्शन भी इस आतंकवाद से अनजान है, पर सच्चाई सामने आने के बाद पूरे कश्मीर में बदलाव लाने की सोच रखते हैं। उस असली कश्मीरी पंडित ने आगे कहा कि उन्होंने टेररिज्म को काफी नजदीक से देखा है। वो 6 साल के थे तभी उन्हें ये समझ आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। दिन दहाड़े घर पर खिड़कियों पर पत्थर फेंके जाते थे, शीशे तोड़ दे जाते थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग रात को कश्मीर जैकेट पहनकर अंदर AK-47 लेकर घूमते थे अपने टारगेट को ढूंढते हुए। इतना खौफनाक वो दौर था। भारत पाकिस्तान मैच हो तब भी वो लोग शीशे तोड़ने से लेकर आग लगाने देने तक कुछ बाकी नहीं छोड़ते थे। और ऐसे दर्दनाक परिस्थितियों में रहना, वहां से 2 जोड़ी कपड़े लेकर बच के निकलना हमारे लिए कितना मुश्किल था, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और तब भी लोग कश्मीरी पंडितों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? इतना बड़ा खुलासा किया है और अब भी उनकी बातों पर शक करना कहां का न्याय है? आज भी अगर उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतनी कड़वी दर्दनाक यादों के साथ वो जी रहे हैं, तो सोचिए उनका मनोबल किस कदर टूट गया होगा। क्या कसूर था उनका? क्या उन्हें जीने का हक नहीं था? अगर 10 लाख में से 10,000 पंडित जिंदा रहे हैं तो इससे क्या साबित होता है? यही कि इस्लामवादियों ने मासूमों का गला घोट दिया, वो भी धर्म के नाम पर अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए। इसी सत्य घटना को सामने लाने के लिए विवेक अग्निहोत्री ने ये कहानी लिखी और खुद ही इसे डायरेक्ट किया। आज भले ही लोगों ने ताने मारे, गालियां दी, झूठा कहा, पर उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर आवाज उठाई जिसे कई सालों तक दबाया गया था। सच में ये एक फियरलेस इंसान ही कर सकता है। उनके इस जर्नी में फिल्म की अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी बखूबी साथ निभाया है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला स्ट्रॉन्ग वुमेन निवेदिता मेनन का किरदार निभा रही हैं और साथ ही कृष्णा पंडित को मोटिवेट कर रही हैं इंसाफ के लिए लड़ने के लिए। इतना ही नहीं फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती IAS ब्रह्मा दत्त का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे फिल्म की कास्ट काफी एक्सपीरियंस्ड और तगड़ी है। विवेक के इस प्रयास में साथ देने के लिए उनको तैयार होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में बड़ी बड़ी बातें कहकर वही रोजाना स्टाइल दिखाया जाता है, पर कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की रिस्क नहीं लेना चाहता। जो इंसान सच को बाहर लाने की कोशिश करता है वो हर किसी का टारगेट बनता है, पर विवेक को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जो है वो सामने है, उन्हें धमकियां मिले, विरोध हो, चाहे कुछ भी हो, वो किसी को भी भीख नहीं डालने वाले। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी ली है उदय सिंह मोहिते ने, जो प्रोमिनेंटली मराठी इंडस्ट्री में काम करते हैं।
अगर उनकी कुछ पिछली फिल्में देखी जाए तो मिस्टीरियस फिल्मों में उनकी मास्टरी है। फिल्म के काफी सीन्स पावरफुल लग रहे हैं, कई कई कुछ चीजें लैक हो रही हैं, पर कहानी और किरदारों की वजह से वो डिफरेंसेस नजर नहीं आते। देखा जाए तो ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी पर ओमिक्रोन के चलते पोस्टपोन हो गई, तो अब 11 मार्च को रिलीज करने का फैसला किया गया। पर जब ट्रेलर रिवील किया गया, व्यूज बढ़े और सब तरह ट्रेंड करने लगा, तब पता चला कि ऑडियंस सब कुछ भूलकर सिर्फ द कश्मीर फाइल्स देखना चाहती है, और उनकी एक्साइटमेंट देखकर यकीन होता है कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्यों पल्लवी जोशी से मिलकर शॉक हुए दर्शन कुमार, क्या विवेक अग्निहोत्री सच में ला पाएंगे क्रांति। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज तक हमने कश्मीर की खूबसूरती देखी है, पर इस खूबसूरती को दाग लगाया है आतंकवादियों ने इस्लाम धर्म के नाम पर दहशत पैदा करके। ये सुनने के बाद आपको हैरानी हुई होगी, क्या सच में कश्मीर की वादियों में छुपा है कोई राज जिससे पूरी दुनिया सालों से अनजान है। सही पहचाना आपने, अगर आप भी ये सच जानना चाहते हैं तो कश्मीर फाइल्स को ओपन करके हर एक पन्ना ध्यान से पढ़िए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन दिनों हर किसी के निशाने पर रहने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक ऐसे सीक्रेट को रिवील किया है जिसे सुनने के बाद ऑडियंस शॉक में है। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित के बारे में आपने सुना है, ज्यादातर लोगों को और खास करके आज की यूथ को उसकी कानो कान खबर नहीं होगी, इसलिए तो ये फिल्म देखना काफी जरूरी है। हमारे यहाँ पर धर्म को लेकर लोग काफी पॉजिटिव हैं और कभी कभी इतना एग्रेशन दिखाते हैं कि कभी तोड़फोड़ करते हैं तो कभी किसी की हत्या। पर क्या सच में धर्म ये सिखाता है, या किसी धर्म का भगवान सिखाता है किसी की हत्या करना? अगर भगवान एक ही है और हम सब भगवान के बच्चे हैं तो इतनी नफरत कहां से आती है? आपको बताते हैं कि कश्मीरी पंडित यानी कि कश्मीरी हिंदू या ब्राह्मण भगवान के भक्त हैं, और इस्लामवादी आतंकवादी भी भगवान को पूजते हैं। फिर क्यों उन्होंने कश्मीर जैसे खूबसूरत शहर को हत्याकांड का दाग लगाया? ये कश्मीर पंडित कश्मीरी घाटी में कई सालों से रह रहे थे जब वहां पर इस्लाम का प्रभाव नहीं था। जैसे ही इस्लामियों की वादियों में संख्या बढ़ गई और वो धर्म बदलने की जबरदस्ती करने लगे, तब कश्मीरी पंडितों की जिंदगी बदतर होने लगी, क्योंकि कश्मीरी पंडित हो, उनके बच्चे हो, बूढ़े हो, सब पर धर्म बदलो या फिर निकल जाओ ये कहकर दबाव डाला जाता था। लोग इस कदर परेशान हो चुके थे कि वो अपनी जान मुट्ठी में लेकर रहते थे, पर इन इस्लामवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके हाथ में सिर्फ AK-47 ही दिखती थी जिसके निशाने पर धर्म ना बदलने वाले लोग और खास करके ये कश्मीरी पंडित थे। जब आप वो फिल्म देखेंगे तब इन कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक हालातों से आपको रूबरू कराएंगे लेजेंडरी एक्टर अनुपम खेर, जो पुष्कर नाथ पंडित का किरदार निभा रहे हैं। उनकी आंखों से टपकते हुए हर एक आंसू में दर्द झलकता है। इस दौरान अपने शहर उनसे मिलने आता है उनका पोता कृष्णा पंडित यानी दर्शन कुमार, जिसे पॉलिटिक्स चुनाव में इंटरेस्ट है और वो काफी कुछ बदलाव करना चाहता है, पर वो कश्मीरी पंडितों की हालत से अनजान है। वो जब अपने घर आता है तब वहां का माहौल देखकर हैरान होता है। उसे अपने ही परिवार को लेकर गलत फहमियां होती हैं और इस गलत फहमियों को और बढ़ावा देता है वहां का आतंकवादी फारूकी अहमद उर्फ बिट्टा, जिसका किरदार निभा रहे हैं मराठी एक्टर चिन्मय मांडलेकर, जो अपने माँ भाइयों को भी जान से मार सकता है और ये कहते हुए उसकी आंखों में जरा भी दर्द नहीं दिखता, दिखती है तो बस हैवानियत। सच में ये आतंकवादी ऐसे ही जिन्होंने कश्मीरी पंडित के घर जलाकर उन्हें घर में घुसकर मारने तक सब कुछ किया और धमका कर उनका जीना हराम कर दिया। अपनी जान की परवाह करते हुए कोई भी इंसान घर के बाहर कदम नहीं रखता था। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि कश्मीरी पंडित को ही क्यों टारगेट किया जा रहा था। इसकी वजह यह है कि कश्मीरी पंडित एजुकेटेड थे, उनके पास दुनिया भर का नॉलेज था, वो भगवान को पूजते हुए अपनी शिक्षा का भी मान रखते थे, इसलिए तो पहले वो इन आतंकवादियों की दहशत को भी भीख डालते नहीं थे। उन आतंकवादियों के लिए भी किसी सीधे साधे इंसान को धर्म बदलने के लिए मजबूर कराना आसान था, पर कश्मीरी पंडित को धर्म को लेकर अच्छी समझ थी, इसलिए तो उन्हें जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहा जाता था। वैसे तो उनके सामने तीन ऑप्शन रखे जाते थे, एक तो धर्म बदलो, दूसरा यहाँ से निकल जाओ, और तीसरा निकल जाओ पर अपनी बेगम को यहाँ छोड़ के जाओ। अब ये सुनने के बाद कश्मीरी पंडित क्या करते? बीवी बच्चों की जान और इज्जत के साथ खिलवाड़ होने देते? आज शाम औरतों का सम्मान उनकी इज्जत और ताकत पर काफी बातें करते हैं। औरत सच में पावरफुल होती है, पर उस समय कौन था उनकी रक्षा करने के लिए? कईयों के साथ रेप हुआ तो कई औरतों को किडनैप किया गया। उस वक्त के नेताओं ने क्या किया? औरतों को कोई खास सुरक्षा दी? उनकी परिस्थितियों पर हल निकाला? उनकी हिफाजत करते हुए उन्हें वहां से निकलने के लिए मदद की? ऐसा भी कुछ नहीं किया गया।
और इसलिए तो आतंकवादियों को बढ़ावा मिल गया। 1990 की रात को उन्होंने मस्जिद में जाकर अजान के बदले ऐलान कर दिया कि ये हमारा मुल्क है, निकल जाओ वरना मर जाओ। ये सुनकर कश्मीरी पंडितों ने ठान लिया कि वो कश्मीरी घाटी से जम्मू की ओर निकल जाएंगे। कुछ लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए तो कुछ वहां फंस गए। कुछ कश्मीरी समुदायों के अनुसार जनवरी 1990 में 75,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित वहां रह रहे थे। उसमें से लगभग 2,000 फैमिलीज 3 दशकों तक वहां जिंदा रही। मतलब देखा आपने, इतने सारे लोगों को उन हैवानों ने मार दिया तो क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? कई लोगों को फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद भी कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए अब खुद दर्शन कुमार सच जान लेते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान दर्शन ने कहा कि फिल्म को लेकर जब मैं पहली बार पल्लवी जोशी से मिलने उनके ऑफिस गया था, तब उन्होंने मुझे 2-3 वीडियोस दिखाए। वीडियो में देश भर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की जुबानी रिकॉर्डिंग की गई थी। मतलब पूरे देश में सर्वे करके 700 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों से मुलाकात करके सारी जानकारी लेकर वीडियोस बनाए गए थे और उनका कहा गया हर एक शब्द विवेक अग्निहोत्री ने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा था। मतलब कोई बदलाव नहीं था। जिन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए और उसके बाद उन्हें इंसानियत का मतलब समझ आएगा। तो अब तक समझ आया होगा कि ये फिल्म कोई बचपना नहीं है। जिन लोगों को इसमें कोई गहराई नजर नहीं आती, शायद उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए। उसी के साथ साथ विवेक अग्निहोत्री दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, ये जानना भी काफी जरूरी है, क्योंकि आज जितने भी वीडियो और फिल्मी दुनिया की खबरें हवा की तरह फैल रही हैं, उनमें सिर्फ विवेक को टारगेट किया जा रहा है। पर अनुपम खेर जी के साथ एक सेगमेंट के दौरान वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, तब उनके मुंह से जय हिंदुस्तान के 2 शब्द निकले और उसके बाद तालियों की बरसात हो रही थी। इसका मतलब लोगों को उनका नजरिया पसंद आ रहा है। वैसे इतने रिस्की मुद्दे को 3 घंटे में पेश करना, उससे जुड़े विवाद पर खुलकर बात करते हुए शेर की तरह निषेध करना, ये किसी क्रांति से कम है क्या? वो जानते हैं कि उनकी जान को काफी खतरा है, क्योंकि अभी तक लोगों की मेंटालिटी बिल्कुल भी बदली नहीं है धर्म और जात को लेकर, पर तब भी वो पीछे नहीं हट रहे। शायद बॉलीवुड में ऐसे लोगों की काफी जरूरत है जो एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी दिखाना नहीं चाहते। ऐसे नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की नहीं बल्कि ऑडियंस की पड़ी है। वैसे 2 हफ्तों में ट्रेलर को करोड़ों व्यूज मिले हैं। इसी तरह विवेक और उनकी पूरी टीम ऑडियंस का जेन्युइन रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रही है। ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, पर तब भी विवेक ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो अपनी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट है। पता नहीं बॉलीवुड में उन्हें कौन कितना सपोर्ट कर रहा है, पर अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक्सपीरियंस कलाकार अगर इस फिल्म का हिस्सा बने हैं तो जरूर उसमें कोई तो बात होगी। खैर बॉलीवुड में क्या होगा पता नहीं, पर ऑडियंस क्या सोचती है ये ज्यादा मायने रखता है। आज की यूथ को इस कश्मीरी पंडितों का दर्द जरूर समझ आएगा, ये तो साफ नजर आ रहा है उनके कमेंट और लाइक से। वैसे फिल्म रिलीज हो चुकी है 11 मार्च 2022 को, तो आप जरूर इस फिल्म को देखें और खुद डिसाइड करें कि कौन गलत है और कौन सही। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, दी कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद सामने आया है। फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को दी कश्मीर फाइल्स के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये फिल्म कश्मीरी पंडित समुदाय के नरसंहार के पहले की पीढ़ी के दस्तावेजों और इंटरव्यू के आधार पर बनाई गई है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार दी कश्मीर फाइल्स को भारत में नहीं रिलीज करने की धमकी दी जा रही है। इसके लिए उन्होंने धमकी और डराने वाले फोन कॉल भी आ रहे हैं। 11 मार्च को दी कश्मीर फाइल्स को भारत के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को यूएस में 30 से अधिक बार दिखाया गया। विवेक अग्निहोत्री के यूएस में फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए बोला जा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले से लेकर 1 या 2 कॉल ही विवेक के पास आ रहे थे। बीते कुछ समय से लगातार विवेक को कई धमकी भरे फोन आ चुके। विवेक को फोन पर बोला जा रहा है कि अगर कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। फिलहाल इस फिल्म को लेकर विवेक अग्निहोत्री की तरफ से रिलीज ना करने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। दी कश्मीर फाइल का पोस्टर अमेरिका में दी बिग एप्पल के टाइम स्क्वायर टावर पर लगाया गया है। एक अंग्रेजी वेबसाइट से बात करते विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि ये फिल्म केवल कश्मीरी पंडित की फिल्म नहीं है, ये हर भारतीय की फिल्म है। आपको बता दें कि कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी अहम किरदार प्ले करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि दी कश्मीर फाइल एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। ये कश्मीरी पंडितों के दर्द, संघर्ष और उनकी कहानी और उनके सफर को बयां करती है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म में 1990s के दशक कश्मीर पंडितों के हालात को दिखाया।
अनुपम खेर का किरदार कहानी के मुख्य में है, जिसका नाम पुष्कर नाथ पंडित है, जो एक प्रोफेसर है। पुष्कर नाथ पंडित अपने बेटे, बहू और दो पोतों के साथ श्रीनगर में रहते हैं। अनुपम खेर ने अपने किरदार के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि वो कहानी है जो कि 30 साल से दुनिया से छिपी हुई है। वेल, हम सभी को फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, एक माइंड ब्लोइंग फिल्म होने वाली है ये। अनुपम सर है तो आप समझ ही सकते हैं कि फिल्म का लेवल क्या होने वाला है। वेल, आपको क्या कहना है इसके बारे में, इस थ्रेट कॉल के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, इंडिया में बहुत सी फिल्में बनती हैं, उसमें सबसे ज्यादा काउंटिंग होती है रोमांटिक फिल्म्स की और एक्शन फिल्मों की। हिस्ट्री फिल्मों की बात करें, कॉन्सेप्चुअल फिल्मों की बात करें, या किसी मुद्दे पे बात करें जो कि हाल ही में देश में घटना घटी हो, फिल्में बहुत कम बनती है। और अगर फिल्में वैसी बन भी जाती हैं तो उनको स्पेस बहुत कम मिलता है और वो लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंच पाती। एक फिल्म सामने आई है, द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल, एक बेहद ही संवेदनशील और भावनात्मक विषय पर बनाई गई फिल्म है, जो भारतीय राजनीतिक इतिहास की बेहद अहम घटनाओं में से एक है। दोस्तों, कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बहुत से न्यूज सुने हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है और वहाँ क्या क्या एक्चुअल में होता है, सब कुछ हमारे तक, हम सभी लोगों तक नहीं पहुँच पाती। देखा जाए तो 1% ही हमारे तक वो न्यूज पहुँच पाती है कश्मीर की, वो भी वो तब आता सामने जब बहुत ज्यादा वो केस हाइप पर हो जाता है। अभी जानते हैं कि कश्मीर में से पंडितों को भगाया गया था, वहाँ ऐसे हालात बन गए थे कि उन्हें अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके ऊपर क्या ऐसी बीतेगी, ऐसा क्या होगा आपके साथ कि आप अपना घर छोड़कर कहीं और जाएंगे। बात तो होगी नहीं, जरूर आपके साथ या आपके परिवार के साथ कुछ ब्रूटली अनहैपनिंग चीज हुई होगी, जिसकी वजह से आप लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि पंडित अपने अपने घर छोड़कर कहीं और जाकर बैसे। इन सभी चीजों को दिखाने के लिए एक फिल्म आ रही है, दी कश्मीर फाइल्स, कि एक्चुअल में कश्मीर में हुआ क्या था। वहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा था, किस तरह से वहाँ पे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, इन सभी चीजों को आप देखेंगे सिर्फ एक फिल्म में, दी कश्मीर फाइल्स में। ऐसा नहीं है कि इसमें जो कुछ दिखाया गया है सब कुछ झूठ होगा। जिसने फिल्म बनाई है विवेक अग्निहोत्री ने, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी काम करते हैं वो बहुत ही तसल्ली से और काफी रिसर्च के बाद काम करते हैं। मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा और सच में रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह से वहां पर कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से उनकी हत्याएं की जा रही है, सच में दिल को कचोटने वाली बात है। ये फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, एक ऐसी फिल्म है जो सच में लोगों को देखनी चाहिए। वर्तमान पर फिल्म बनी है, ये एक ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनी है कि लोगों को जानना चाहिए कि आखिर एक्चुअल में कश्मीर में क्या हुआ था। बल, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या कश्मीर फाइल्स की रिलीज डेट भी हुई पोस्टपोन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जार। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों का असर फिल्म उद्योग पर साफ नजर आ रहा है। महामारी के बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों ने सिनेमा घरों को बंद कर दिया है। सिनेमा प्रेमियों को कश्मीरी पंडितों की कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। अभिनेता अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है। ये फिल्म पहले 26 जनवरी 2022 को रिलीज की जानी थी। सिनेमा घरों में निर्माताओं ने द कश्मीर फाइल्स का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और देश के बढ़ते राज्यों के सिनेमा घरों के बंद होने की वजह से निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। इस महामारी के खिलाफ साथ में लड़ते हैं, मास्क पहने और सुरक्षित रहे। विवेक रंजन अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक और लेखक है। फिल्म में आपको मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी जैसे एक्टर्स दिखने वाले हैं। ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द, पीड़ा और संघर्ष की कहानी है। साथ ही लोकतंत्र, धर्म, राजनीति और मानवता के बारे में आंखें खोलने वाले तथ्यों पर आधारित है। फिल्म में 1990 के कश्मीर
कश्मीरी पंडितों के हालात दिखाए जाएंगे। एक्टर अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल्स में पुष्कर नाथ पंडित का किरदार निभाया है, जो पेशे से प्रोफेसर है। वो श्रीनगर में अपने बेटे बहू और दो पोतों के साथ रहते हैं। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला मोशन पोस्टर शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, मैंने फैसला लिया है कि द कश्मीर फाइल्स की परफॉर्मेंस को पुष्कर नाथ जी को समर्पित करता हूँ। मेरे किरदार का नाम पुष्कर है। ये कश्मीरी पंडितों की कहानी है जो 30 साल से दुनिया से छिपी हुई थी, जिसका खुलासा 26 जनवरी 2022 को होगा। बहरहाल अब ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है 26 जनवरी को, जैसे ही अपडेट सामने आती है हम आपको बता देंगे। कौन सी इच्छा रह गई अधूरी, कश्मीर फ्लाइज का कौन सा गाना गाने वाली थी लता दाई? भारत की सबसे पॉपुलर गायिका लता मंगेशकर का रविवार 6 फरवरी की सुबह निधन हो गया। पूरा देश 92 इयर्स की लता के निधन से सदमे में है। फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग अपनी इस दिग्गज गायिका के निधन पर शोक में। लता मंगेशकर पिछले काफी समय से फिल्मों में गाने नहीं गा रही थी, हालांकि उन्होंने एक फिल्म में अपनी आवाज देने के लिए पिछले साल हामी भरी थी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बताया कि लता मंगेशकर ने पिछले साल मार्च में आगामी फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए हामी भरी थी। विवेक ने कहा, कश्मीर फाइल्स में कोई गाना नहीं है, ये एक दुखद फिल्म है, लेकिन ये कश्मीर के पीड़ितों को एक श्रद्धांजलि भी है। दरअसल मैंने फिल्म के लिए एक कश्मीरी सिंगर का लोकगीत रिकॉर्ड किया था और मैं चाहता था कि लता दीदी इसे गाए। उन्होंने फिल्मों के लिए गाना बंद कर दिया था, लेकिन मैंने उनसे ये गाना रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट की थी। विवेक ने आगे कहा, लता दीदी पल्लवी जोशी यानी कि विवेक की पत्नी के काफी नजदीक थी, इसलिए वो हमारी फिल्म के लिए गाना गाने के लिए राजी हो गई थी। कश्मीर उनके दिल से बहुत करीब था और उन्होंने कहा कि वो कोविड खत्म होने के बाद वह इस गाने के लिए रिकॉर्ड करने वाली थी। हम लोग गाना रिकॉर्ड किए जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ये गाना मेरे लिए एक सपना ही रह गया। लता के साथ अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए विवेक ने कहा, मुझे याद है कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नया था तो मैंने एक शो किया था जहां लता दीदी आई थी। आजकल एक्टर्स और सिंगर सेलिब्रिटीज की तरह व्यवहार करते, लेकिन सबसे बड़ा सितारा होने के बावजूद लता दीदी बेहद सादगी से भरपूर थी। आप जब उनसे मिलते तो वो आपको अपनी माँ जैसी लगती थी, इतनी ममता थी उनके अंदर। उन्होंने मुझसे कहा था, आपके अंदर इतनी प्रतिभा है कि कभी आपको जरूरत पड़े तो निष्कोच मुझे बताएं। विवेक ने लता मंगेशकर के बारे में आगे बात करते हुए कहा, एक चीज और जो लोग उनके बारे में नहीं जानते वो ये है कि उन्हें रियलिटी शोज और फिल्में बहुत पसंद है। हालांकि उन्होंने थिएटर जाना बंद कर दिया था, लेकिन अगर उन्हें किसी की परफॉर्मेंस अच्छी लगती थी तो वो उन्हें लड्डू मिठाई और फूल भेजती थी। लता जी अपनी पर्सनालिटी के ये भाग लोगों को नहीं बताती थी। वो अपने देश से बहुत प्यार करती थी और देश को सम्मान दिलाने वाले लोगों को खुद कॉल कर उन्हें बधाई दिया करती थी। किस कॉन्सेप्ट पर बनी है द कश्मीर फाइल्स? कौन है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर और कब रिलीज होने वाली है ये फिल्म? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। विवेक अग्निहोत्री ने अपने करियर की शुरुआत चॉकलेट, हिट स्टोरी, धन धनाधन गोल जैसी कमर्शियल फिल्मों से की थी। पिछले कुछ सालों से सोशल पॉलिटिक्स मुद्दों पर फिल्म बना रहे हैं। 2019 में उनकी द ताशकंद फाइल्स रिलीज हुई थी और आज उनकी नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म में विवेक ने कश्मीर में अर्ली 90s में हुई घटनाओं को अपने नजरिए से दिखलाया है। 3.5 मिनट लंबे द कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर की क्या है खास पहलू, इस पर बात करते हैं। द कश्मीर फाइल्स सन 90 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटना का एक काल्पनिक चित्रण है। फिल्म में कश्मीर में उस वक्त हुई हिंसा, अगलावाद, हिंदू मुस्लिम टकराव जैसे मुद्दों को दिखाया गया है। फिल्म हिंसक घटनाओं पर आधारित है, लिहाजा विवेक ने फिल्म का कलर टोन भी डार्क रखा है। द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर में दिखाया जाता है कि उस समय भड़की हिंसा में वहां के मासूम लोगों, खासकर कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती थी। फिल्म में विवेक ने उस टाइम के पॉलिटिकल सिनेरियो को भी अपने अंदाज में पर्दे पर उतारा है। ट्रेलर में मिथुन चक्रवर्ती दिखाई देते हैं, जो एक लंबे वक्त बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। इनके अलावा पुनीत इसर हैं, जो किसी पद्मश्री नेता के किरदार में हैं। इस रोल में पहले योगराज सिंह थे, उन्हें हिंदुओं को लेकर दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से फिल्म से निकाल दिया गया। इनके अलावा फिल्म में एक्ट्रेस और विवेक अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी जोशी भी है, वो एक एक्टिविस्ट की भूमिका में है। ट्रेलर में उनके किरदार को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है। मैरी कॉम और द फैमिली मैन जैसे शोज और फिल्मों में काम कर चुके दर्शन कुमार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। ट्रेलर में एक लंबे अरसे बाद अनुपम खेर इम्पैक्टफुल, पावरफुल परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं।
जैसे एक सीन है जहां वो कहते हुए दिखते हैं, जहां शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? अनुपम जिस तरीके से हल्की सी रुआंस भरे चिल्लाते हुए ये संवाद कहते हैं, उसे देख उनकी पहली फिल्म सारांश की याद आ जाती है। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें वो शिव की वेशभूषा में गन पॉइंट पर बिलखते हुए दिखते हैं। इस सीन में भी अनुपम खेर की अदायगी अव्वल दर्जे की लगती है। विवेक द कश्मीर फाइल्स के सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं है, इन्होंने ही द कश्मीर फाइल्स का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। विवेक सिर्फ राजनीतिक फिल्में ही बनाते हैं, अक्सर वो ट्विटर पर राजनीतिक मुद्दों पर भी अपना पक्ष रखते रहते हैं। वो खुलकर अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक बतलाते हैं। द कश्मीर फाइल्स होली से एक हफ्ते पहले 11 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म जी स्टूडियोज के बैनर तले बनी है, यानी कि थिएटर्स से निकलकर फिल्म Zee5 पर उपलब्ध होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड हैं काफी लंबे समय बाद अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती को देखकर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। किस कश्मीरी पंडित ने खोले राज? किस हैवानियत से हुआ मनोबल खत्म? क्यों डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री है निशाने पर? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये गाना याद है आपको? इस गाने का यही अर्थ है कि बस बड़ा नाम और दिल में खोट, या फिर यूं कहिए जो दिखता है वैसा होता नहीं। अब यही हाल है कश्मीर का। कश्मीर एक ऐसा शहर है जिसे जन्नत माना जाता है। अब इसे सच में जन्नत कहें या हैवानियत के ऊपर खड़ा किया गया दिखावा, कहते हैं कि कश्मीर की बर्फ को एक बार जरूर आजमाना चाहिए। पर जब हम द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर देखते हैं तब एहसास होता है कि उस बर्फ के नीचे खून की नदियां बह चुकी हैं। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से फिल्म का ट्रेलर सामने आया है तब से सबके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि उसमें ऐसा क्या दिखाया गया जिसे देखकर आंखों में आंसू और दिल में डर पैदा होता है। तो आज हम आपको उस कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमें 1990 का भयानक दौर, आतंकवाद और जीती जागती शिकार देखने को मिलेगी। ये कहानी है कश्मीरी पंडितों की जिनकी जिंदगी तबाह करने में इस्लामवादियों ने पल भर का भी इंतजार नहीं किया। उनकी हैवानियत इतनी हावी हो चुकी थी कि उन्हें इस बात का अभी भी पछतावा नहीं होता। कश्मीरी पंडित को कश्मीरी ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो कश्मीरी हिंदू और सारस्वत ब्राह्मण का हिस्सा माने जाते हैं। वो कश्मीर के घाटी के पांच गौड़ ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं और इन कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनुपम खेर, जिनके किरदार का नाम है पुष्कर नाथ पंडित। कश्मीर में मुस्लिम प्रभाव बढ़ने से पहले वो उस घाटी में रहते थे, पर जैसे ही मुस्लिम प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा वहां के लोगों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने दहशत का स्लो पॉइजनिंग शुरू किया। जो इंसान खुद को भगवान या अल्लाह के बंदे कहला रहे थे उसी अल्लाह की दी गई जिंदगी को खत्म कर रहे थे। कहते हैं ना, धर्म के नाम पर टेररिज्म को गले लगाने वालों को भी जन्नत कभी हासिल नहीं होती। पर इन आतंकवादियों को ना ही अल्लाह का डर था ना ही इंसानियत का एहसास। इतनी दहशत में भी कश्मीर पंडित अपनी जान मुट्ठी में लेकर जिंदगी गुजार रहे थे। पर ये कब तक चलने वाला था? जिन लोगों के हाथ में AK-47 हो, जिसे वो अपनी ताकत मानते हो, उनका सामना करना पंडितों के लिए मुश्किल था। वो कोशिश भी करते थे तो उनका गला दबाया जाता था। पाकिस्तान हमारा है, इस्लाम अपनाओ या चले जाओ, ये नारे लगाकर उन आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को धमकियां देना शुरू कर दिया था। तभी पंडित भगवान से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह की उनकी जान बचाए। वो घर के बाहर भी नहीं निकलते थे, अपने बीवी बच्चों को लेकर घर में चोरों की तरह बैठे रहते थे। पर तब भी उनका कहना ना मानने पर वो दिन दहाड़े उनकी हत्या कर देते थे, खून की नदियां बहाते थे। जिस कश्मीर को हम नेचुरल ब्यूटी कहते हैं वहां के हाथ खून से रंगे हुए हैं। और ऐसे ही उनका ये काफिला लंबे समय तक चलता रहा। पर अचानक साल 1990 की एक रात को बड़ा हंगामा हुआ। जब उनका मन नहीं भरा तो उन्हें मस्जिद जाकर जोरों से ऐलान कर दिया कि धर्म अपनाओ या फिर मर जाओ। घर छोड़कर जाना है तो बेशक जाओ, पर अपनी बेगम को यहाँ छोड़कर। मतलब औरतों पर भी बुरी नजर थी उन सब की। उन्हें पकड़कर छेड़ते थे, मारते थे और इज्जत पर हाथ डालने तक हिम्मत कर चुके थे। ये सब सुनकर कश्मीरी पंडित डर गए और तभी वहां से भाग जाने का फैसला उन्होंने कर लिया। उस वक्त भी कुछ भागने में कामयाब हो गए तो कुछ उनके हाथ लग गए, जिन्हें सजाए मौत मिली। मतलब कोई धर्म नहीं अपना रहा, कोई अपनी बात नहीं सुन रहा। हमें किसी से नफरत है तो हम उसके बदले में किसी की जान क्यों लें? क्या कसूर था उन कश्मीरी पंडितों का? क्या उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं? यही सवाल फिल्म में कृष्णा पंडित यानी दर्शन कुमार ने पूछे हैं फारूक अहमद यानी बिट्टा से, जो इस फिल्म में दहशतवादी बना, जो कश्मीर पर अपनी हुकूमत बनाना चाहता है।
ये खतरनाक किरदार निभा रहे हैं महाराष्ट्र के टैलेंटेड एक्टर चिन्मय मांडलेकर। वैसे भगवान की पूजा करने वाले पंडितों की रक्षा करने के लिए भगवान तो नहीं आए, तो अब उन्हें इस फिल्म के द्वारा इंसाफ मिलना चाहिए ना। यही कोशिश कर रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। आज भले ही सब उनके खिलाफ हो, उन्हें कॉर्नर करने का प्लान बना रहे हो, पर सच तो सच होता है और उनकी इस लड़ाई में कनाडा में रहने वाले कश्मीरी पंडित ने उन्हें सपोर्ट किया है। वैसे तो उनका नाम नहीं बता सकते, पर एक कश्मीरी पंडित के वो पोते हैं। वो कश्मीर को बदनाम होते हुए नहीं देख सकते, उन्हें इतने सालों बाद इंसाफ और बदलाव चाहिए। जैसे फिल्म में अनुपम खेर के पोते कृष्णा पंडित यानी दर्शन भी इस आतंकवाद से अनजान है, पर सच्चाई सामने आने के बाद पूरे कश्मीर में बदलाव लाने की सोच रखते हैं। उस असली कश्मीरी पंडित ने आगे कहा कि उन्होंने टेररिज्म को काफी नजदीक से देखा है। वो 6 साल के थे तभी उन्हें ये समझ आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। दिन दहाड़े घर पर खिड़कियों पर पत्थर फेंके जाते थे, शीशे तोड़ दे जाते थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग रात को कश्मीर जैकेट पहनकर अंदर AK-47 लेकर घूमते थे अपने टारगेट को ढूंढते हुए। इतना खौफनाक वो दौर था। भारत पाकिस्तान मैच हो तब भी वो लोग शीशे तोड़ने से लेकर आग लगाने देने तक कुछ बाकी नहीं छोड़ते थे। और ऐसे दर्दनाक परिस्थितियों में रहना, वहां से 2 जोड़ी कपड़े लेकर बच के निकलना हमारे लिए कितना मुश्किल था, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और तब भी लोग कश्मीरी पंडितों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? इतना बड़ा खुलासा किया है और अब भी उनकी बातों पर शक करना कहां का न्याय है? आज भी अगर उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतनी कड़वी दर्दनाक यादों के साथ वो जी रहे हैं, तो सोचिए उनका मनोबल किस कदर टूट गया होगा। क्या कसूर था उनका? क्या उन्हें जीने का हक नहीं था? अगर 10 लाख में से 10,000 पंडित जिंदा रहे हैं तो इससे क्या साबित होता है? यही कि इस्लामवादियों ने मासूमों का गला घोट दिया, वो भी धर्म के नाम पर अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए। इसी सत्य घटना को सामने लाने के लिए विवेक अग्निहोत्री ने ये कहानी लिखी और खुद ही इसे डायरेक्ट किया। आज भले ही लोगों ने ताने मारे, गालियां दी, झूठा कहा, पर उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर आवाज उठाई जिसे कई सालों तक दबाया गया था। सच में ये एक फियरलेस इंसान ही कर सकता है। उनके इस जर्नी में फिल्म की अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी बखूबी साथ निभाया है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला स्ट्रॉन्ग वुमेन निवेदिता मेनन का किरदार निभा रही हैं और साथ ही कृष्णा पंडित को मोटिवेट कर रही हैं इंसाफ के लिए लड़ने के लिए। इतना ही नहीं फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती IAS ब्रह्मा दत्त का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे फिल्म की कास्ट काफी एक्सपीरियंस्ड और तगड़ी है। विवेक के इस प्रयास में साथ देने के लिए उनको तैयार होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में बड़ी बड़ी बातें कहकर वही रोजाना स्टाइल दिखाया जाता है, पर कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की रिस्क नहीं लेना चाहता। जो इंसान सच को बाहर लाने की कोशिश करता है वो हर किसी का टारगेट बनता है, पर विवेक को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जो है वो सामने है, उन्हें धमकियां मिले, विरोध हो, चाहे कुछ भी हो, वो किसी को भी भीख नहीं डालने वाले। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी ली है उदय सिंह मोहिते ने, जो प्रोमिनेंटली मराठी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर उनकी कुछ पिछली फिल्में देखी जाए तो मिस्टीरियस फिल्मों में उनकी मास्टरी है। फिल्म के काफी सीन्स पावरफुल लग रहे हैं, कई कुछ चीजें लैक हो रही हैं, पर कहानी और किरदारों की वजह से वो डिफरेंसेस नजर नहीं आते। देखा जाए तो ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, पर ओमिक्रोन के चलते पोस्टपोन हो गई, तो अब 11 मार्च को रिलीज करने का फैसला किया गया। पर जब ट्रेलर रिवील किया गया, व्यूज बढ़े और सब तरह ट्रेंड करने लगा, तब पता चला कि ऑडियंस सब कुछ भूलकर सिर्फ द कश्मीर फाइल्स देखना चाहती है, और उनकी एक्साइटमेंट देखकर यकीन होता है कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्यों पल्लवी जोशी से मिलकर शॉक हुए दर्शन कुमार? क्या विवेक अग्निहोत्री सच में ला पाएंगे क्रांति? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज तक हमने कश्मीर की खूबसूरती देखी, पर इस खूबसूरती को दाग लगाया है आतंकवादियों ने इस्लाम धर्म के नाम पर दहशत पैदा करके। ये सुनने के बाद आपको हैरानी हुई होगी, क्या सच में कश्मीर की वादियों में छुपा है कोई राज जिससे पूरी दुनिया सालों से अनजान है? सही पहचाना आपने। अगर आप भी ये सच जानना चाहते हैं तो कश्मीर फाइल्स को ओपन करके हर एक पन्ना ध्यान से पढ़िए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन दिनों हर किसी के निशाने पर रहने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक ऐसे सीक्रेट को रिवील किया है जिसे सुनने के बाद ऑडियंस शॉक में है। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित के बारे में आपने सुना है, ज्यादातर लोगों को और खास करके आज की यूथ को उसकी कानो कान खबर नहीं होगी, इसलिए तो ये फिल्म देखना काफी जरूरी है। हमारे यहाँ पर धर्म को लेकर लोग काफी पॉजिटिव हैं और कभी कभी इतना एग्रेशन दिखाते हैं कि कभी तोड़फोड़ करते हैं तो कभी किसी की हत्या। पर क्या सच में धर्म ये सिखाता है, या किसी धर्म का भगवान सिखाता है किसी की हत्या करना?
अगर भगवान एक ही है और हम सब भगवान के बच्चे हैं तो इतनी नफरत कहां से आती है। आपको बताते हैं कि कश्मीरी पंडित यानी कि कश्मीरी हिंदू या ब्राह्मण भगवान के भक्त हैं और इस्लामवादी आतंकवादी भी भगवान को पूजते हैं। फिर क्यों उन्होंने कश्मीर जैसे खूबसूरत शहर को हत्याकांड का दाग लगाया। ये कश्मीर पंडित कश्मीरी घाटी में कई सालों से रह रहे थे जब वहां पर इस्लाम का प्रभाव नहीं था। जैसे ही इस्लामियों की वादियों में संख्या बढ़ गई और वो धर्म बदलने की जबरदस्ती करने लगे तब कश्मीरी पंडितों की जिंदगी बदतर होने लगी। क्योंकि कश्मीरी पंडित हो, उनके बच्चे हो, बूढ़े हो, सब पर धर्म बदलो या फिर निकल जाओ ये कहकर दबाव डाला जाता था। लोग इस कदर परेशान हो चुके थे कि वो अपनी जान मुट्ठी में लेकर रहते थे, पर इन इस्लामवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके हाथ में सिर्फ AK-47 ही दिखती थी जिसके निशाने पर धर्म ना बदलने वाले लोग और खास करके ये कश्मीरी पंडित थे। जब आप वो फिल्म देखेंगे तब इन कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक हालातों से आपको रूबरू कराएंगे लेजेंडरी एक्टर अनुपम खेर जो पुष्कर नाथ पंडित का किरदार निभा रहे हैं। उनकी आंखों से टपकते हुए हर एक आंसू में दर्द झलकता है। इस दौरान अपने शहर उनसे मिलने आता है उनका पोता कृष्णा पंडित यानी दर्शन कुमार जिसे पॉलिटिक्स चुनाव में इंटरेस्ट है और वो काफी कुछ बदलाव करना चाहता है, पर वो कश्मीरी पंडितों की हालत से अनजान है। वो जब अपने घर आता है तब वहां का माहौल देखकर हैरान होता है। उसे अपने ही परिवार को लेकर गलत फहमियां होती हैं और इस गलत फहमियों को और बढ़ावा देता है वहां का आतंकवादी फारूकी अहमद उर्फ बिट्टा जिसका किरदार निभा रहे हैं मराठी एक्टर चिन्मय मांडलेकर जो अपने माँ भाइयों को भी जान से मार सकता है और ये कहते हुए उसकी आंखों में जरा भी दर्द नहीं दिखता, दिखती है तो बस हैवानियत। सच में ये आतंकवादी ऐसे ही जिन्होंने कश्मीरी पंडित के घर जलाकर उन्हें घर में घुसकर मारने तक सब कुछ किया और धमका कर उनका जीना हराम कर दिया। अपनी जान की परवाह करते हुए कोई भी इंसान घर के बाहर कदम नहीं रखता था। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि कश्मीरी पंडित को ही क्यों टारगेट किया जा रहा था। इसकी वजह यह है कि कश्मीरी पंडित एजुकेटेड थे, उनके पास दुनिया भर का नॉलेज था। वो भगवान को पूजते हुए अपनी शिक्षा का भी मान रखते थे, इसलिए तो पहले वो इन आतंकवादियों की दहशत को भी भीख डालते नहीं थे। उन आतंकवादियों के लिए भी किसी सीधे साधे इंसान को धर्म बदलने के लिए मजबूर कराना आसान था, पर कश्मीरी पंडित को धर्म को लेकर अच्छी समझ थी, इसलिए तो उन्हें जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहा जाता था। वैसे तो उनके सामने तीन ऑप्शन रखे जाते थे, एक तो धर्म बदलो, दूसरा यहाँ से निकल जाओ और तीसरा निकल जाओ पर अपनी बेगम को यहाँ छोड़ के जाओ। अब ये सुनने के बाद कश्मीरी पंडित क्या करते? बीवी बच्चों की जान और इज्जत के साथ खिलवाड़ होने देते? आज शाम औरतों का सम्मान उनकी इज्जत और ताकत पर काफी बातें करते हैं। औरत सच में पावरफुल होती है, पर उस समय कौन था उनकी रक्षा करने के लिए? कईयों के साथ रेप हुआ तो कई औरतों को किडनैप किया गया। उस वक्त के नेताओं ने क्या किया? औरतों को कोई खास सुरक्षा दी? उनकी परिस्थितियों पर हल निकाला? उनकी हिफाजत करते हुए उन्हें वहां से निकलने के लिए मदद की? ऐसा भी कुछ नहीं किया गया और इसलिए तो आतंकवादियों को बढ़ावा मिल गया। 1990 की रात को उन्होंने मस्जिद में जाकर अजान के बदले ऐलान कर दिया कि ये हमारा मुल्क है, निकल जाओ वरना मर जाओ। ये सुनकर कश्मीरी पंडितों ने ठान लिया कि वो कश्मीरी घाटी से जम्मू की ओर निकल जाएंगे। कुछ लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए तो कुछ वहां फंस गए। कुछ कश्मीरी समुदायों के अनुसार जनवरी 1990 में 75,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित वहां रह रहे थे। उसमें से लगभग 2,000 फैमिलीज 3 दशकों तक वहां जिंदा रही। मतलब देखा आपने, इतने सारे लोगों को उन हैवानों ने मार दिया तो क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? कई लोगों को फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद भी कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए अब खुद दर्शन कुमार सच जान लेते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान दर्शन ने कहा कि फिल्म को लेकर जब मैं पहली बार पल्लवी जोशी से मिलने उनके ऑफिस गया था तब उन्होंने मुझे 2-3 वीडियोस दिखाए। वीडियो में देश भर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की जुबानी रिकॉर्डिंग की गई थी। मतलब पूरे देश में सर्वे करके 700 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों से मुलाकात करके सारी जानकारी लेकर वीडियोस बनाए गए थे और उनका कहा गया हर एक शब्द विवेक अग्निहोत्री ने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा था। मतलब कोई बदलाव नहीं था। जिन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए और उसके बाद उन्हें इंसानियत का मतलब समझ आएगा। तो अब तक समझ आया होगा कि ये फिल्म कोई बचपना नहीं है। जिन लोगों को इसमें कोई गहराई नजर नहीं आती शायद उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए। उसी के साथ साथ विवेक अग्निहोत्री दुनिया को क्या बताना चाहते हैं ये जानना भी काफी जरूरी है, क्योंकि आज जितने भी वीडियो और फिल्मी दुनिया की खबरें हवा की तरह फैल रही हैं उनमें सिर्फ विवेक को टारगेट किया जा रहा है।
पर अनुपम खेर जी के साथ एक सेगमेंट के दौरान वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, तब उनके मुंह से जय हिंदुस्तान के दो शब्द निकले और उसके बाद तालियों की बरसात हो रही थी। इसका मतलब लोगों को उनका नजरिया पसंद आ रहा है। वैसे इतने रिस्की मुद्दे को 3 घंटे में पेश करना, उससे जुड़े विवाद पर खुलकर बात करते हुए शेर की तरह निषेध करना, ये किसी क्रांति से कम है क्या? वो जानते हैं कि उनकी जान को काफी खतरा है, क्योंकि अभी तक लोगों की मेंटालिटी बिल्कुल भी बदली नहीं है धर्म और जात को लेकर, पर तब भी वो पीछे नहीं हट रहे। शायद बॉलीवुड में ऐसे लोगों की काफी जरूरत है जो एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी दिखाना नहीं चाहते। ऐसे नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की नहीं बल्कि ऑडियंस की पड़ी है। वैसे 2 हफ्तों में ट्रेलर को करोड़ों व्यूज मिले हैं। इसी तरह विवेक और उनकी पूरी टीम ऑडियंस का जेन्युइन रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रही है। ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, पर तब भी विवेक ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो अपनी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट है। पता नहीं बॉलीवुड में उन्हें कौन कितना सपोर्ट कर रहा है, पर अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक्सपीरियंस कलाकार अगर इस फिल्म का हिस्सा बने हैं तो जरूर उसमें कोई तो बात होगी। खैर बॉलीवुड में क्या होगा पता नहीं, पर ऑडियंस क्या सोचती है ये ज्यादा मायने रखता है। आज की यूथ को इस कश्मीरी पंडितों का दर्द जरूर समझ आएगा, ये तो साफ नजर आ रहा है उनके कमेंट और लाइक से। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों दी कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद सामने आया। खुद डिसाइड करें। फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को दी कश्मीर फाइल्स के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये फिल्म कश्मीरी पंडित समुदाय के नरसंहार के पहले की पीढ़ी के दस्तावेजों और इंटरव्यू के आधार पर बनाई गई है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार दी कश्मीर फाइल्स को भारत में नहीं रिलीज करने की धमकी दी जा रही है। इसके लिए उन्होंने धमकी और डराने वाले फोन कॉल भी आ रहे हैं। 11 मार्च को दी कश्मीर फाइल्स को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी, लेकिन इससे पहले इस फिल्म को US में 30 से अधिक बार दिखाया गया। विवेक अग्निहोत्री के US में फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए बोला जा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले से लेकर 1 या 2 कॉल ही विवेक के पास आ रहे थे। बीते कुछ समय से लगातार विवेक को कई धमकी भरे फोन आ चुके। विवेक को फोन पर बोला जा रहा है कि अगर कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। फिलहाल इस फिल्म को लेकर विवेक अग्निहोत्री की तरफ से रिलीज ना करने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। द कश्मीर फाइल का पोस्टर अमेरिका में द बिग एप्पल के टाइम स्क्वायर टावर पर लगाया गया है। एक अंग्रेजी वेबसाइट से बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि ये फिल्म केवल कश्मीरी पंडित की फिल्म नहीं है, ये हर भारतीय की फिल्म है। आपको बता दें कि कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी अहम किरदार प्ले करके नजर आएंगे। गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। ये कश्मीरी पंडितों के दर्द, संघर्ष और उनकी कहानी और उनके सफर को बयां करती है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म में 1990s के दशक कश्मीर पंडितों के हालात को दिखाया। अनुपम खेर का किरदार कहानी के मुख्य में है, जिसका नाम पुष्कर नाथ पंडित है, जो एक प्रोफेसर है। पुष्कर नाथ पंडित अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ श्रीनगर में रहते हैं। अनुपम खेर ने अपने किरदार के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि वो कहानी है जो कि 30 साल से दुनिया से छिपी हुई है। वेल, हम सभी को फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। एक माइंड ब्लोइंग फिल्म होने वाली है ये। अनुपम सर है तो आप समझ ही सकते हैं कि फिल्म का लेवल क्या होने वाला है। वेल, आपको क्या कहना है इसके बारे में, इस थ्रेड कॉल के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, इंडिया में बहुत सी फिल्में बनती हैं, उसमें सबसे ज्यादा काउंटिंग होती है रोमांटिक फिल्म्स की और एक्शन फिल्मों की। हिस्ट्री फिल्मों की बात करें, कॉन्सेप्चुअल फिल्मों की बात करें, या किसी मुद्दे पे बात करें जो कि हाल ही में देश में घटना घटी हो, फिल्में बहुत कम बनती है। और अगर फिल्में वैसी बन भी जाती हैं तो उनको स्पेस बहुत कम मिलता है और वो लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंच पाती। एक फिल्म सामने आई है, द कश्मीर फाइल। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल, एक बेहद ही संवेदनशील और भावनात्मक विषय पर बनाई गई फिल्म है, जो भारतीय राजनीतिक इतिहास की बेहद अहम घटनाओं में से एक है। दोस्तों, कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बहुत से न्यूज सुने हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है और वहाँ क्या क्या एक्चुअल में होता है, सब कुछ हमारे तक, हम सभी लोगों तक नहीं पहुँच पाती। देखा जाए तो 1% ही हमारे तक वो न्यूज पहुँच पाती है कश्मीर की, वो भी वो तब आता है सामने जब बहुत ज्यादा वो केस हाइप पर हो जाता है। अभी जानते हैं कि कश्मीर में से पंडितों को भगाया गया था। वहाँ ऐसे हालात बन गए थे कि उन्हें अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके ऊपर क्या ऐसी बीतेगी, ऐसा क्या होगा आपके साथ कि आप अपना घर छोड़कर
कहीं और जाएंगे। बात तो होगी नहीं, जरूर आपके साथ या आपके परिवार के साथ कुछ ब्रूटली अनहैपनिंग चीज हुई होगी जिसकी वजह से आप लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि पंडित अपने अपने घर छोड़कर कहीं और जाकर बसे? इन सभी चीजों को दिखाने के लिए एक फिल्म आ रही है, दी कश्मीर फाइल्स, कि एक्चुअल में कश्मीर में हुआ क्या था। वहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा था, किस तरह से वहाँ पे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, इन सभी चीजों को आप देखेंगे सिर्फ एक फिल्म में, दी कश्मीर फाइल्स में। ऐसा नहीं है कि इसमें जो कुछ दिखाया गया है सब कुछ झूठ होगा। जिसने फिल्म बनाई है विवेक अग्निहोत्री ने, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी काम करते हैं वो बहुत ही तसल्ली से और काफी रिसर्च के बाद काम करते हैं। मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा और सच में रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह से वहां पर कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से उनकी हत्याएं की जा रही है, सच में दिल को एक कचोटने वाली बात है। ये फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, एक ऐसी फिल्म है जो सच में लोगों को देखनी चाहिए। वर्तमान पर फिल्म बनी है, ये एक ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनी है कि लोगों को जानना चाहिए कि आखिर एक्चुअल में कश्मीर में क्या हुआ था। पर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या कश्मीर फाइल्स की रिलीज डेट भी हुई पोस्टपोन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों का असर फिल्म उद्योग पर साफ नजर आ रहा है। महामारी के बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों ने सिनेमाघरों को बंद कर दिया है। सिनेमा प्रेमियों को कश्मीरी पंडितों की कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। अभिनेता अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। फिल्म के निर्माताओं ने इसके बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है। ये फिल्म पहले 26 जनवरी 2022 को रिलीज की जानी थी। सिनेमाघरों में निर्माताओं ने द कश्मीर फाइल्स का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और देश के बढ़ते राज्यों के सिनेमाघरों के बंद होने की वजह से निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। इस महामारी के खिलाफ साथ में लड़ते हैं, मास्क पहने और सुरक्षित रहे। विवेक रंजन अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक और लेखक है। फिल्म में आपको मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी जैसे एक्टर्स दिखने वाले हैं। ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द, पीड़ा और संघर्ष की कहानी है। साथ ही लोकतंत्र, धर्म, राजनीति और मानवता के बारे में आंखें खोलने वाले तथ्यों पर आधारित है। फिल्म में 1990 के कश्मीरी पंडितों के हालात दिखाए जाएंगे। एक्टर अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल्स में पुष्कर नाथ पंडित का किरदार निभाया है, जो पेशे से प्रोफेसर है। वो श्रीनगर में अपने बेटे, बहू और दो पोतों के साथ रहते हैं। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला मोशन पोस्टर शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, मैंने फैसला लिया है कि द कश्मीर फाइल्स की परफॉर्मेंस को पुष्कर नाथ जी को समर्पित करता हूँ। मेरे किरदार का नाम पुष्कर है। ये कश्मीरी पंडितों की कहानी है जो 30 साल से दुनिया से छिपी हुई थी, जिसका खुलासा 26 जनवरी 2022 को होगा। बहरहाल अब ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है 26 जनवरी को, जैसे ही अपडेट सामने आती है हम आपको बता देंगे। कौन सी इच्छा रह गई अधूरी? कश्मीर फ्लाइज का कौन सा गाना गाने वाली थी लता दाई? भारत की सबसे पॉपुलर गायिका लता मंगेशकर का रविवार 6 फरवरी की सुबह निधन हो गया। पूरा देश 92 इयर्स की लता के मई की चिलचिलाती गर्मी में रिलीज हुई विपुल शाह की प्रोडक्शन द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस को और भी गर्म कर दिया है। ए ग्रेड लिस्ट की कोई स्टारकास्ट ना होने के बावजूद फिल्म चारों ओर अपनी बात करवाने में कामयाब रही है। कमांडो फिल्म से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस अदा शर्मा अभिनीत फिल्म शुक्रवार यानी कि 5 मई को बड़े विवादों और कई याचिकाओं के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दोस्तों, केरल की कहानी केरल की हिंदू महिलाओं की कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया गया था और उनकी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि ISIS में तस्करी की गई थी। याचिकाओं में दावा किया गया है कि केरल में महिलाओं के ISIS में शामिल होने के बारे में फिल्म तथ्यों पर आधारित नहीं है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाती है। इंटरनेट के एक वर्ग ने वास्तव में विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स के साथ सुदीप्तो सेन निर्देशित सुदीप्तो सेन की तुलना की, जिसे कश्मीरी मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए रिलीज के समय बैकलैश और बहिष्कार कॉल का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और सिनेमाघरों में
दो महीने से अधिक समय तक चली थी। ये 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित थी, लेकिन क्या द केरला स्टोरी में बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स के रास्ते जाने की क्षमता है? तो बता दें, इस फिल्म ने पहले ही शाम और रात के शो को मिलाकर कुल 8 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। और अब वो दिन चले गए जब कोई फिल्म केवल अपने स्टार पावर के दम पर ही चलती थी। अब कंटेंट राजा है। बेशक अपवाद हमेशा होते हैं, लेकिन आजकल लोग अच्छी कहानियों को तरजीह देते हैं। इस फिल्म का जबरदस्त बज है, सप्ताहांत में इसे निश्चित रूप से गति पकड़नी चाहिए। फिलहाल दिलचस्प बात तो ये है कि अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी अभिनीत द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, क्योंकि पहले दिन ये केवल 3.5 करोड़ रुपए ही बटोर पाई थी, जहां दूसरे दिन फिल्म ने 8.50 करोड़ का बिजनेस किया और तीसरे दिन 15 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। फिल्म ने दुनिया भर में 340 करोड़ रुपीज का कलेक्शन कर लिया और फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श काफी आश्वस्त है कि द केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स की तरह एक बड़ा आश्चर्य हो सकती है। आदर्श ने कहा, केरला स्टोरी की प्रतिक्रिया उत्कृष्ट रही है, फिल्म निश्चित रूप से सप्ताहांत में गति पकड़ लेगी। ये कहना जल्दबाजी होगी कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स घटना को फिर से बनाएगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये ऐसा कर सकती है। द केरला स्टोरी के लिए द कश्मीर फाइल्स के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पार करना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि इसे बहुत अच्छी समीक्षा नहीं मिल रही है। यदि आप द कश्मीर फाइल्स को देखें तो फिल्म को काफी अच्छी समीक्षा मिली थी, खासकर फिल्म देखने वाले दर्शकों से। द केरला स्टोरी के लिए अभी तक मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसके अलावा द केरला स्टोरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा समर्थन मिला है, जिन्होंने पहले द कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वालों को ये कहते हुए बाहर कर दिया था कि इसे बदनाम करने की साजिश है। शुक्रवार को कर्नाटक के बेलारी में भाजपा के लिए एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि केरल स्टोरी ने उजागर किया कि कैसे आतंकवाद केरल को दूषित कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करके आतंकवाद का बचाव कर रही है। आतंकवाद ने अब एक नया रूप ले लिया है, वे हथियारों और बमों का इस्तेमाल करने के अलावा समाज को अंदर से खोखला करने की दिशा में काम कर रहे हैं। द केरला स्टोरी फिल्म ने आतंकवाद के इस नए चेहरे का पर्दाफाश किया है। फिल्म इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस तरह आतंकवाद केरल के समाज को कमजोर कर रहा है। अब कांग्रेस उन तत्वों का समर्थन कर रही है जो इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाकर आतंकवाद का बचाव कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बेहद खचाखच भरे थिएटर और पीएम मोदी की लिलाहट केरल स्टोरी को बॉक्स ऑफिस पर भारतीय सिनेमा की अगली कश्मीर फाइल्स बनने में मदद करेगी। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि मई के महीने में आईपीएल के चलते ठंडे पड़े बॉक्स ऑफिस को इस फिल्म ने गर्म कर दिया है। अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो कमाई के जून के महीने में रिलीज हो रही बड़ी फिल्मों का इंतजार कर रहे सिनेमा मालिकों और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा संकेत होगा। आप द केरला स्टोरी से कितना इत्तेफाक करते हैं ये हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और